हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अक्षत वखारिया और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, इंटरेस्ट एंड एन्यूटी। FIV कॉम सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है ये। इंटरेस्ट मैं दो एंगल से बोलूंगा, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, से फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट किया मैंने, FD किया, उसके ऊपर जो भी मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड की बात करूं मैं, तो जब मैंने किसी से लोन लिया है, वो लोन का अमाउंट मुझे तो पे बैक करना है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मुझे पे बैक करना ही है, बट उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्टन अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों सर? बिकॉज मैंने वो सो एंड सो पर्सन से सो एंड सो एक्स अमाउंट एज अ लोन लिया है सर्टन पीरियड के लिए, तो उसका पैसा मैं सर्टन पीरियड तक यूज करूंगा एंड देन उसको पे बैक करने वाला हूं। तो अगर उतना ही पीरियड तक वो अमाउंट उस पर्सन ने बैंक में या कोई और जगह इन्वेस्ट किया होता तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने उसके पास ये लोन लिया है तो मुझे वो प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, बट उतने पीरियड का मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बिकॉज मैंने उसका पैसा यूज किया है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली दो एंगल से बोलेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव के एंगल से, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इंटरेस्ट पेड के एंगल से, कंसिडरेशन दैट इज एक्स्ट्रा मनी पे मनी। नाउ सॉरी, यस, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या बोला मैंने यहां पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड कंसिडरेशन दैट इज एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर टू मनी लेंडर फॉर द यूज ऑफ हिज मनी। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर बार। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट, ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट। क्यूमुलेटिव अमाउंट मतलब क्या सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। पहले इसका अगर आप बेसिक बेसिक समझ जाओ, मीनिंग समझ जाओ, फॉर्मूला समझ जाओ, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं कंसेप्ट है यहां पर, सिर्फ सिंपली आपको क्वेश्चन रीड करना है, किसका वैल्यू कौन सा वैल्यू किसका है, बस ये आपको इंटरप्रेट करने का है। रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप साथ साथ आप सम भी करना जब मैं सम स्टार्ट करूंगा तभी। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अमाउंट एक्यूमुलेटेड, अमाउंट एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है सर कितना अमाउंट टोटल जमा हुआ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने FD किया 10,000 रुपीज का, मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 2 ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर विल बी, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विल बी 1,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट विल बी 1,000, तो टोटल कितना अमाउंट जमा हुआ, मैं बोलूंगा टोटल जमा हुआ सर 12,000। क्यों? प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, इंटरेस्ट कितना है 2,000 है, दैट इज अमाउंट एक्यूमुलेटेड। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें यहां पर अमाउंट एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला दिया है पी इंटू 1 + R/100 रेज टू कैपिटल एन। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है A - P। अच्छा, ए का फॉर्मूला यहां से पुट किया, सॉरी ए का फॉर्मूला ये वाला पुट किया, माइनस पी है एंड पी को कॉमन ले लिया मैंने। सो अगर पी को कॉमन ले लूंगा तो फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। सो आप CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप ए फाइंड करके माइनस पी कर दो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला A - P से ही डिराइव हुआ है। समझा यहां तक? नाउ से फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, राजू एंड काजू, एक ने इन्वेस्ट किया 10,000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको स्कीम में, एंड काजू ने इन्वेस्ट किया 10,000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, बट इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कैसे सर, वो इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पर एकदम ध्यान से समझना, से फॉर एग्जाम्पल इसने अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, सो फर्स्ट ईयर में इसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट 1,000, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा सर 1,000, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर
1000। सर ये 1000 आया कैसे? अरे 10,000 पे 10% निकालना, कितना आएगा? 1000 आएगा, ये एक साल का है। सर एवरी ईयर 1000 1000 1000 होगा? यस, क्यों? बिकॉज ये क्या मेरा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है सर? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सो टोटल अमाउंट इज 13,000। इसको मैं बोलूंगा ए, दैट इज अमाउंट एक्यूमुलेटेड। अगर मैं इसमें से माइनस कर दो पी, दैट इज प्रिंसिपल, तो मुझे क्या मिलेगा? एसआई। समझा यहां तक? ना, काजू का कंसेप्ट देखो जा रहे हैं। यहां पर मैं बोलूंगा यहां पे 10,000 इसने इन्वेस्ट किया सेम फर्स्ट ईयर में, इसको मिलेगा 1000। सेकेंड ईयर में उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्यूमुलेटिव अमाउंट पे, दैट इज 10,000 प्लस 1000, सो टोटल 11,000 के ऊपर उसको मिलेगा 10%। सर ऐसा क्यों? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला था मैंने आपको अभी? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सॉरी क्यूमुलेटिव अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1000 ना, तो क्यूमुलेटिव अमाउंट दैट इज 11,000 के ऊपर 10%, दैट इज 1100। थर्ड ईयर में 10,000 प्लस 1000 प्लस 1100 टोटल विल बी 12,100, उसके ऊपर 10% कितना आएगा? ये 1210। सो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड इज 13310 माइनस प्रिंसिपल इज 3310। समझाइए। सो इट मींस यहां से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते? सी सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सर अमाउंट एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, और एक बात, फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट ईयर में आपने क्यों 1000 लिया? बिकॉज फर्स्ट ईयर में सर मैं बोलूंगा, जब मैंने से फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, मैं बैंक के पास गया फर्स्ट ईयर के एंड में, मेरा इंटरेस्ट कितना अभी तक एट द एंड ऑफ द ईयर? उसने बोला कि फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ प्रिंसिपल था, तो आपको प्रिंसिपल पे 10% मिलेगा, मतलब 1000 होता है। तो मैं उसको पूछता हूँ, नहीं मुझे इंटरेस्ट में भी तो चाहिए। अरे बोला इंटरेस्ट तो अभी जमा हुआ ना, जब इंटरेस्ट ये जमा हो जाएगा देन सेकंड ईयर में आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलेगा, बट सेकंड ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा बट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा एंड सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना? और एक बात, यहां पे आप इंटरप्रिटेशन ये कि मैं कोई भी स्कीम में डालू सीआई या एसआई, तो मुझे डेफिनेटली सीआई वाले कंसेप्ट में ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू एसआई। अच्छा, सेकंड थिंग, फर्स्ट ईयर का एसआई एंड सीआई ऑलवेज बी सेम। क्या बोला मैंने? फर्स्ट ईयर का सीआई एंड एसआई ऑलवेज बी सेम। सर कैसे? बिकॉज फर्स्ट, सी सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव अमाउंट पे होता है, बट फर्स्ट ईयर में सर क्यूमुलेटिव अमाउंट जमा ही नहीं होगा ना सर, बिकॉज इंटरेस्ट हुआ ही नहीं तब तक। में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही होने वाला है बाय डिफॉल्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझाइए। देन सेकंड टाइम से, सी मैं फर्स्ट ईयर यहां पे इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्डिंग इज समथिंग लाइक दिस कि जब भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करूं, फर्स्ट टाइम वो ऑलवेज प्रिंसिपल पे होगा। सेकंड टाइम से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझाइए। वो कोई रेयर पद पीढ़ीज होगी जो सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करती है, बट वो सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, बट
सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करती है, बाकी जनरली 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 हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको मिलता है। लेकिन एक ही उसूल इसके अंदर कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म बना रहना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं 6 महीने के लिए मैं डाल रहा हूँ मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूँ 1 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो भी इट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट ही बन जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में सर बेसिकली क्या होता है कि अपना SIC सेम ही होता है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड। सी इसके अंदर कंसेप्ट बहुत वास्ट है, मैं इतना तभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं आगे कंसेप्ट आएगा कन्वर्जन पीरियड का उस टाइम मैं आपको डेप्थ में जाऊंगा। फिलहाल इतना समझो कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, एंड सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑलवेज प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यूमुलेटिव अमाउंट पे कैलकुलेट करता है कैलकुलेट करना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, एंड फर्स्ट ईयर में SINCI ऑलवेज बी सेम। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? So, इतना फिलहाल समझेंगे हम आगे। पहले सम और एक बात तुमको एक और कंसेप्ट सिखाना था मेरे को, दैट इज चलो मैं सम में ले लूंगा वो कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन पे जाते फटाफट, क्या दिया यहां पे देखो, ये जो सम मैंने लिया बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के बेस के ऊपर लिया है, ये सारे सम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट का ए, अ सम ऑफ ₹25,000 accumulated to 55,000 after 12 years, find the rate of simple interest per annum, मतलब मुझे R find करना है, ठीक है? ये capital N दिया हुआ है, कितना amount sum जमा किया हमने, कितना amount invest किया, that is principal कितना 25,000, कितना amount जमा हुआ 55,000, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या find करना है सर? R find करना है। See R करना है, n फाइंड करना है, तो मैं ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज कर सकता हूं, दैट इज PNR अपॉन 100, ठीक है? तो इसके लिए मेरे पास p है, yes है, n है, yes है, तो क्या नहीं है सर? ऐसा ही नहीं है, बट ऐसा ही मैं निकाल सकता हूं इस कंसेप्ट से, a है, p है, ऐसा ही निकाल सकता हूं इस कंसेप्ट से, yes, लॉजिक समझ में आ गया। सो नाउ सी द सॉल्यूशन, सो प्रिंसिपल इज 25,000, ए इज 55,000 एंड 12 इयर्स, तो एस आई निकाल दिया पहले ए माइनस पी करके, देन एस आई का फॉर्मूला यूज करके हमने आर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज कितना आया 10% आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये, मैंने हर एक टाइप के सम्स कवर किए हैं। बी बट एन अमाउंट ऑफ 35,000, सी अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेकंड सम से, मतलब जो सेकंड सम मैं कर रहा हूं आप उसको स्टॉप करो, पॉज करो एंड उसको समझो कि लाइक कौन सा वैल्यू किसका दिया हुआ है, एंड देन ये समझने के बाद देन आप उसको आगे कंटिन्यू करना, मतलब वीडियो, ठीक है, रिज्यूम करना। नाउ सी एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 रिजल्टेड टू 55,500, मतलब ये अपना क्या हो गया, ए हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड At 10%, that is R is given, find the period, n find करना है अपने को, 10% rate of simple interest दिया, मतलब R दिया हुआ है, A दिया हुआ है, P दिया है, तो A minus P करके मुझे SI मिल जाएगा, then SI के formula से मुझे n मिल जाएगा, see the solution, P है, A है, R है, n find करना है, SI के base पे मैंने, that is A होगा, मैं PNR upon 100, then I'll get the value of n, समझाइए, next, A simple interest of 7,200 was given to Mr. Joshi with 8% per annum after 6 years from a bank. Okay? Find the original principal he invested for 6 years. So basically उसने क्या बोला कि इतना simple interest दिया है, किसको दिया, Mr. Joshi को, ठीक है? अब उसने बोला कि उसको कितना rate of interest मिल रहा है, 8%, 6 years तक उसने क्या किया यहाँ पे, 6 years तक उसने investment किए, अच्छा फाइंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल, मतलब मुझे फाइंड करना है पी का वैल्यू, अच्छा ये अपने को एन दिया हुआ है, ये अपने को आर दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना क्या, ये अपना एस आई है, तो एस आई इज देयर, आर इज देयर, एन इज देयर, मुझे क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, एस आई इक्वल्स टू पी एन आर अपॉन 100, एस आई है, पी फाइंड करना, समझाइए, एस आई है, एन बी है, आर बी है, पी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिया मैंने, देन आगे का पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट टू अमाउंट्स टू एंड सो इयर्स,
बेसिकली मेरा ये एन हो गया एट 10.5% इंटरेस्ट, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा हो जाएगा ए का वैल्यू. व्हेन इट विल अमाउंट टू दिस वन एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. उसने क्या बोला है, सर ए मेरा 3576 है, एन मेरा 4/2 230 ईयर्स है, 10.5% इंटरेस्ट है, मतलब मेरे पास एन बी है, आर बी है और मेरे पास ए है, ठीक है. व्हेन इट विल अमाउंट टू 3912 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसने क्या बोला है, एक कंसेप्ट को दे दिया है एंड दूसरे कंसेप्ट का उसने ए दिया है, दूसरे कंसेप्ट में इंटरेस्ट सेम होगा बट दूसरे कंसेप्ट में आपको फाइंड करना है पीरियड, दैट इज एन फाइंड करना है. और प्रिंसिपल क्या होगा सर, वही होगा जो फर्स्ट कंसेप्ट का प्रिंसिपल होगा. नहीं समझ में आ रहा, वापस समझाता हूं मैं. जो फर्स्ट कंसेप्ट इज गिवन, दैट इज 3576 इज ए 4/2 इयर्स एट 10.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अपने को एन आर जो दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट कंसेप्ट में एन दिया है, आर दिया है एंड फर्स्ट कंसेप्ट में ए दिया है, तो ए एन आर के बेस पे प्रिंसिपल फाइंड कर. क्या फाइंड कर, प्रिंसिपल. एक बार प्रिंसिपल मिल गया ना, तो वही प्रिंसिपल कितने टाइम में, कितने इयर्स में, कितने इयर्स में 3912 बनेगा, 3912 बनेगा एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आर सेम रहेगा, आर 10.5 ही रहेगा, प्रिंसिपल जो फर्स्ट कंसेप्ट का आएगा वही प्रिंसिपल रहेगा, बट कितने इयर्स में 3912 बनेगा, मतलब ए अपने को दे दिया है, सिर्फ अपने को फाइंड करना है पीरियड, दैट इज वी हैव टू फाइंड एन का वैल्यू. किसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को, सिर्फ एन का वैल्यू फाइंड करना है. सो नाउ पार्ट वन, ए इज 3576, एन इज गिवन, आर इज गिवन, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, एस आई कंसेप्ट ले लिया मैंने, एस आई को भी आगे लिखा मैंने पी एन आर अपॉन 100, देन दोनों कंसेप्ट में से मैंने पी कॉमन ले लिया, ठीक है, सॉल्व किया, आई गेट 1.49 टाइम्स पी, 3576 गिवन सामने वाला वैल्यू, देन इसको यहां पे डिवाइड कर दिया, आई गेट द वैल्यू ऑफ पी, दैट इज 2400. तो प्रिंसिपल वही रहेगा, बट प्रिंसिपल वो है 2400, ए 3912 बन गया, आर 10.5% बना, तो एन कितना होगा, अपने को ये एन फाइंड आउट करना है बेसिकली सेकंड कंसेप्ट का. मैंने यहां पे क्या किया कि एसआई अपने को क्या हो जाएगा, एसआई मींस व्हाट, मैं बोलूंगा ए अपने पास है, पी भी अपने पास है, ए माइनस पी कर, एसआई मिल जाएगा. एक बार एसआई मिल गया ना, तो आप एन इजीली फाइंड कर सकते हो. सी एसआई इक्वल्स टू व्हाट, पी इन आर अपॉन 100, तो एसआई भी है, पी भी है, आर भी है, एन मिल जाएगा, कितना है एन, 6 इयर्स. समझाइए, मस्त क्वेश्चन था ये. सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, सो प्लीज प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट कंसेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले एक बार रिकैप कर लेते हम लोग. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट होता है ऑन क्यूमुलेटिव अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. नाउ अमाउंट एक्यूमुलेटेड फाइंड करने का फॉर्मूला इज पी इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज टू कैपिटल एन. एंड अगर सी आई फाइंड करना है तो आप ए माइनस पी कर सकते हो, या फिर ए का फॉर्मूला माइनस पी, देन पी को कॉमन लेके मैंने एक फॉर्मूला बताया यहाँ पे डिराइव करके दिया है, ये वाला फॉर्मूला आप ले सकते हो, दैट इज पी इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज टू कैपिटल एन माइनस वन. सो अगर आप सी आई फाइंड करना है तो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लो, या फिर ए माइनस पी करो, चलेगा. एंड ए फाइन करना है तो पी इंटू 1 + R/100 रेस टू कैपिटल एन. आपको फॉर्मुला ये बाहर होना चाहिए, अगर फॉर्मुला याद नहीं आप कुछ नहीं कर पाओगे. सी बेसिकली आपको फॉर्मुलास पता होना चाहिए एंड कौन सा वैल्यू बेसिकली किसका वैल्यू है. सिंपल लॉजिक की जो वैल्यू फ्यूचर में बनने वाला है या फ्यूचर में पे करने वाले है, मतलब वो अमाउंट एक्टेड हो जाएगा. कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 साल के बाद कितना पैसा आपको मिलेगा. कंसेप्ट आपको इंटरेस्ट पेड कंसेप्ट के बेस पे भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने इतना अमाउंट बोरो किया तो फ्यूचर में आप विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितना पे बैक करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, अमाउंट एक्युमुलेटेड, दैट इज ए का वैल्यू. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं. सो आपको समझना पड़ेगा जो वैल्यू फ्यूचर में बनेगा दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, और वी कैन से दैट अमाउंट एक्युमुलेटेड. एंड जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया या जो मैंने बोरो किया है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू ऐसा होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर एड ऑन नहीं है. अमाउंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऐसा होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फैक्टर होता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिन्हा बोरोज रुपीज 12,000 फॉर, एक सेकेंड,
सेना बोरोस 12,000 फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियरली बोल दे कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ नथिंग इज मेंशन देन ऑलवेज अज्यूम दैट वो इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा सर, सिंपल इंटरेस्ट होगा। इफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है कि कौन सा इंटरेस्ट है देन ऑलवेज क्या अज्यूम करना, 8%। ना अभी क्या करना है, सी बेसिकली कितना बोरो किया, 12,000 प्रिंसिपल वैल्यू, ये मेरा एन है, ये मेरा आर हो गया, मुझे फाइंड करना है हाउ मच ही विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज वी हैव टू फाइंड ए का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे यहाँ पे, ए का वैल्यू फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट है। कैसे करेंगे देखो, यहां पर मैंने लिखा है यहाँ पे पी कितना है, एन कितना है, आर कितना है, ठीक है, ए का फॉर्मूला लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट में ए का फॉर्मूला लिया एंड वैल्यूज पुट अप कर दिए। ना इसको सॉल्व कैसे करना है, सो मैं बोलूंगा इसका वैल्यू हो जाएगा सर 12,000 इंटू 8/100 दैट इज 0.08 प्लस 1 दैट इज 1.08। ना अब इसको सॉल्व कैसे करने का सर, सिंपल लॉजिक एकदम ध्यान से समझना, मैं इस कंसेप्ट को सॉल्व करके बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा कंसेप्ट आएगा दैट इज 1.08 रेस टू 4 बोला है, सी इसका मीनिंग तो होता है 1.08 इनटू 1.08 इनटू 1.08 इनटू 1.08 इज इक्वल्स टू, मतलब चार बार इनटू करना पड़ेगा 1.08 1.08 1.08 1.08 सबके बीच में इनटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द वैल्यू। द अनदर मेथड इज कि 1.08 लिख, अनदर मेथड इज कि 1.08 लिख इनटू पावर क्या है 4, देन 3 टाइम्स इक्वल टू 1 2, सो 1.05 रजिस्टर अगर 3 है तो क्या करेंगे हम लोग, 1.05 इनटू करके दो बार इक्वल्स टू, 1.07 रेस्ट टू 7 है तो क्या करेंगे, 1.07 इनटू करके 6 बार इक्वल्स टू, मतलब अगर पावर अगर 7 है तो 6 बार इक्वल्स टू, पावर 9 है 8 टाइम्स इक्वल टू, पावर 4 है 3 टाइम्स इक्वल टू, पावर 2 है 1 टाइम इक्वल टू, 1.05 रेस्ट टू 2 तो 1.05 इनटू करके 1 ही बार इक्वल टू, 1.06 रेस्ट टू 3 1.06 इंटू करके दो बार इक्वल टू। अभी मैं आपको बोल रहा पूछ रहूंगा, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, आप उसको सोचो कि क्या आएगा इसका आंसर, देन आई विल गिव यू आंसर। 1.1 रेस टू 5, 1.05 रेस टू 5 बोला मैंने तो क्या बनेगा, 1.05 इंटू करके 4 टाइम्स इक्वल्स टू, समझाइए क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, अभी स्टार्ट करते सम्स, कंटिन्यू करते हैं पूरा पार्ट। सो कितना है ये, 1.08 रेस टू 4 दिया है तो आंसर क्या आएगा 3 ना, मतलब 3 बार इक्वल टू करेंगे हम लोग तो 1.08 इनटू करके 1 2 3 बार इक्वल टू, तो आंसर इज 1.360 समथिंग, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ठीक है, इनटू 12,000 तो आंसर इज 163.25.86। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो 16326 बनता है, बट राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं है, समझाइए, चेक द आंसर। ओके तो आंसर में आई थिंक 16376 दिया था मैंने, 7 के बदले 2 कर दिया, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो नाउ आप लोग भी करेक्शन कर रहे हैं ना, 16326 आएगा जो कि 76 प्रिंटेड हुआ था वहां पर, क्लियर हुआ यहां तक। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोला यहां पे, एट वॉट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ दिस विल अमाउंट टू दिस वन इन 4 ईयर्स। सो मैं क्या बोलूंगा कि भाई प्रिंसिपल इतना है, ए तुम्हारा 29282 है, एन इज 4 ईयर्स, आपको फाइंड करना है आर का वैल्यू, क्या फाइंड करना है आपको, आर का वैल्यू फाइंड करना है, समझाइए, बहुत सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ए दिया हुआ है तो ए का फॉर्मूला यूज करो, ए के फॉर्मूला में आपको आर फाइंड करना है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ए 29282 है एंड 4 ईयर्स है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, सो मैंने ए का फॉर्मूला यूज किया और वैल्यूज पुट अप कर दिए। ना अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 20,000 डिवाइड में आ जाएगा, जैसे 20,000 ये डिवाइड में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 1.4914, समझा यहां तक। ना ये जो पावर में 4 दे ना, पावर में 4 वो यहां पर आकर के फोर्थ रूट बन जाएगा, क्या बनेगा ये, फोर्थ रूट सीयर,
से फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया ए स्क्वायर और यहां पे दिया 16, तो क्या बनता है, ए इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 16, लेकिन ए का क्यूब दिया है और यहां पे दिया 27, वन सेकेंड, तो ये 27 का क्यूब रूट बनेगा, इज इक्वल्स टू, समझाइए। अब इस तरफ क्या दिया था, यहां पे ये वाले पार्ट में क्या था, पावर 4 था, सो अगर पावर 4 है तो इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, फोर्थ रूट बन जाएगा, तो फोर्थ रूट का मीनिंग क्या है सर, मैं बोलूंगा 1.4914 का फोर्थ रूट मतलब 1 एक बार स्क्वायर रूट, सेकेंड टाइम स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 1.10509, समझाइए। देन ये प्लस वन इस तरफ आ गया, माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, माइनस वन बन गया, देन मल्टीपल 100 कर देंगे, बिकॉज ये 100 यहां पे डिवीजन में ना, ये माइनस वन हो गया, माइनस वन ये होने के बाद ये 100 जो है ये मल्टीपल में चला जाएगा, सामने सामने की तरफ मल्टीपल में आ जाएगा, सो आर विल बी 10.509%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.50%, इसका आंसर भी रॉन्ग दिया था, तो 10.50% आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है यहां पे, फाइंड द टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी दैट इज 8000 इज कैप्ड इन अ बैंक फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो बेसिकली यहां पे गिवन क्या दिया है, यहां पे फाइंड कर रहे हैं, यहां पे प्रिंसिपल गिवन दिया है, कैपिटल एन 3 इयर्स है, कैपिटल आर 12% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, क्या कंसेप्ट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली आएगा, कंपाउंडेड मंथली आएगा, कंपाउंडेड ईयरली होगा, इन दैट केस क्या करना है, तो कंपाउंडेड ये कंसेप्ट क्या है सर, समझते हैं, यहां पर ध्यान दो भी। नाउ कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड मतलब यहां पे होता क्या, बेसिकली पहले मैं आपको एक लॉजिक समझा दो, उसके बाद हम लोग के कंसेप्ट पे जाएंगे। जब आप बैंक में जाओगे एफडी करने के लिए, बैंक में आप उनको बोलोगे कि सर मुझे 10,000 रुपीज की एफडी करनी है, 3 साल के बाद मुझे इसका अमाउंट चाहिए, मतलब मैं जो विड्रॉ करूंगा अमाउंट विथ आई मीन टू से जो मुझे अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद, जो भी अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट में क्या होगा सर, प्रिंसिपल भी होगा एंड 3 साल का इंटरेस्ट भी होगा, इट मीन्स पूरा टोटल एक साथ में अमाउंट लूंगा, मतलब वन टाइम डिपॉजिट किया और वन टाइम में पूरा रिकवर किया, इतना क्लियर हो गया। नाउ व्हाट हैपन कि ये जो कंसेप्ट जो मैंने स्कीम ऑप्ट किया कंसेप्ट के अंदर, बेसिकली उस कंसेप्ट के अंदर मैंने उनको बोला कि मुझे जो स्कीम जो ये बेसिकली स्कीम ए है उसके अंदर इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, मुझे पैसा एक साथ में ही चाहिए, अभी तो चाहिए नहीं, बीच में चाहिए नहीं, मुझे सब कुछ कब चाहिए और मैच्योरिटी एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी चाहिए। सो नाउ 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट इज 1,000, सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ दैट इज 1100, किस पे कैलकुलेट किया 10,000 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला एंड सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला। सर ऐसा क्यों मिला, बिकॉज मैं पैसा बीच बीच में विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट जो बनना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी बनता है मतलब इंटरेस्ट वो मुझे मिलना चाहिए, बट मैंने वो लिया नहीं है, क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं है, तो वो पैसा अगर मैं ले लेता और मैं वापस से कोई और जगह इन्वेस्ट करता, वो इंटरेस्ट को मैं री इन्वेस्ट करता तो मुझे वहां पे इंटरेस्ट मिलता, तो मैं बैंक को क्या बोल रहा हूं, तुम मुझे इंटरेस्ट मत दो, तुम वो इंटरेस्ट अपने पास ही रखो, बट मुझे वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट फाइंड करने का मेथड जो आप स्कीम ए में है वो इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग इन ईयरली बेसिस, मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है बैंक एंड आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो प्रिंसिपल भी करता है प्लस उसके पहले जो इंटरेस्ट एक्यूड हुआ रहेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट वो लोग करते हैं, बिकॉज वो इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे मिलना चाहिए बट वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी उनके पास ही है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा अमाउंट मुझे एक साथ में मिल जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये ईयरली का प्रोसेस है, स्कीम बी है, उस स्कीम बी में ऐसा लिखा है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट यहां पर होगा हाफ ईयरली बेसिस पे, किससे होगा सर, कैसे होगा, हाफ ईयरली बेसिस मतलब क्या, हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट 6 मंथ के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जो भी अमाउंट आएगा, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 500 सिर्फ अमाउंट आ रहा है, मैंने सिर्फ समझा कितना अमाउंट आ रहा है, 500 रुपीज आ रहा है, तो सेकेंड हाफ ईयर के एंड में मुझे
प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड हाफ ईयर के एंड में, थर्ड हाफ ईयर मतलब क्या, 1.5 साल के बाद प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, फोर्थ हाफ ईयर मतलब सेकंड ईयर का एंड हो गया बेसिकली, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा, फर्स्ट हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड हाफ ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे 6 टाइम्स। समझाइए, अगर मैं क्वार्टरली करता हूं तो साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मैं मंथली करूंगा तो साल में 1 ईयर में 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा मतलब इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। समझाइए, नाउ कन्वर्जन पीरियड में होता क्या है, द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ईच पीरियड लिखा, ईच ईयर नहीं लिखा मैंने, बिकॉज ईच पीरियड मे बी हाफ ईयर, मे बी ईयर, मे बी क्वार्टर, मे बी मंथ, and added to the principal, and added to the principal at the beginning of next period. क्यों सर? अरे मैं बोल रहा हूँ quarterly basis पे interest calculate कर रहा हूँ मैं, तो first quarter के end में interest calculate किया principal के ऊपर, second quarter के end में principal पे तो interest calculate किया किया, but interest के ऊपर भी interest calculate किया, third quarter के end में principal पे interest calculate किया किया, first quarter के principal पे interest के ऊपर भी interest calculate किया, second quarter interest के ऊपर भी interest calculate किया, fourth quarter में प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट कैलकुलेट करने ही करने, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वार्टर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, सेकंड क्वार्टर के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, थर्ड क्वार्टर के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सो बेसिकली जितनी बार हम करेंगे इंटरेस्ट, हर बार हर क्वार्टर के हर पहले जितने भी इंटरेस्ट हुए उन सबके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो सब कैलकुलेशन करना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। सेकेंडली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे प्रिंसिपल पे मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, सो क्यों ना हम उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्लब कर दे, ज्वाइन कर दे, ऐड कर दे। तो एटलीस्ट मुझे ये तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये टोटल अमाउंट है विद इंटरेस्ट, उसके ऊपर डायरेक्टली निकाल ले। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1000, तो सेकंड ईयर में क्या करेंगे, प्रिंसिपल में निकालना है, 1000 में निकालना है, तो क्यों ना हम 11000 पे निकाल ले डायरेक्टली, मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हर एक अमाउंट को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, फर्स्ट ईयर के एंड में या फर्स्ट पीरियड मे बी 1 ईयर, मे बी हाफ ईयर, मे बी क्वार्टर, मे बी मंथ, फर्स्ट पीरियड के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैं इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में एड कर दूंगा, तो वो क्यूमुलेटिव अमाउंट मिल गया, क्यूमुलेटिव अमाउंट पे देन सेकंड पीरियड के एंड में क्यूमुलेटिव अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, थर्ड पीरियड के एंड में क्यूमुलेटिव अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, बार बार इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते जाऊंगा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते जाऊंगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सो इट इज डिटरमाइंड बाय बोरोवर एंड मनी लेंडर बोथ। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, साल में एक बार कर रहे तो नंबर ऑफ टाइम्स, सी इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, दैट इज वन टाइम। अगर हाफ ईयरली है तो 2 टाइम्स, क्वार्टरली है तो साल में 4 बार, मंथली है तो 12 टाइम्स, डेली है तो ये जस्ट नॉलेज के लिए डेली, बाकी डेली आता नहीं है, 365 टाइम्स इन केस ऑफ लीप ईयर, 366 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर इन केस ऑफ डेली है, एवरीडे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई डाउट आता है? अभी अभी इफेक्ट कहां पे हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है सर 2 केस पे, एक तो एन के ऊपर एंड एक आर के ऊपर। क्या होता है सर यहां पे? सिंपल लॉजिक है, एक बात मेरे को बताओ, 3 इयर्स का पीरियड है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इट मीन साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 3 साल में कितनी बार किया? 3 साल में सर 6 टाइम्स किया। तो स्मॉल एन मतलब क्या? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म। कैपिटल एन मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। के का मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, एक साल में कितनी बार कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, विल गेट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म। आई का मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर कन्वर्स पीरियड, समझाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू साल का 12%, तो 6 महीने कितना हो गया? 6%।
मैं बोलता हूँ 1 ईयर का 12% है तो मंथ का कितना हुआ, 1%, समझा। कंपाउंड अगर मैं मंथली बोल रहा हूँ, स्मॉल आई कितना 1% बन जाए, कंपाउंड मंथली मतलब एक मंथ का कितना इंटरेस्ट हुआ, दैट इज 1%। ईयर का 12% है तो मंथ का कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, आर अपॉन के इनटू 100, या फिर आर परसेंट डिवाइड बाय के भी कर सकते हो। के मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर। इफ नथिंग इज गिवन देन आप हर बार के का वैल्यू 1 ले सकते हो। कभी जब कुछ भी नहीं दिया है, इफ नथिंग इज मेंशन दैट द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड इन अ ईयर इज लाइक हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है या मंथली है या ईयरली है, डेली कुछ भी दिया नहीं है, देन ऑलवेज अज्यूम इट विल बी ईयरली। कभी कोई कुछ भी नहीं बोला, समझाइए। और जब के का वैल्यू 1 है तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इसके ऊपर या इसके ऊपर, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। तो अब नॉर्मल जैसे हम पहले फॉर्मूला लेते थे वही लिया तो भी चलेगा, कभी जब के का वैल्यू 1 है तभी। बट के का वैल्यू 1 नहीं है सर तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला कंसेप्ट लेना पड़ेगा। और मैंने फॉर्मूला इसलिए चेंज किया बिकॉज आपको समझे कि सर यहाँ पे हाफ ईयरली है मतलब के का वैल्यू 2 हो जाएगा, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया मतलब के का वैल्यू 2 आया। जब भी के कंसेप्ट 2 आएगा तो आपको स्मॉल आई एंड स्मॉल एन कंसेप्ट लेना है कंपल्सरीली, वरना आप वो वाला कंसेप्ट लेके करोगे ना तो आप गलती से मिस्टेक कर लोगे, फिर गलती से मिस्टेक, समझा। सो ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पी इनटू 1 प्लस आई रेस टू स्मॉल एन। सीआई का वैल्यू क्या है सर, ए माइनस पी। सीआई का फॉर्मूला क्या है सर, ए का फॉर्मूला माइनस पी, पी कॉमन ले लिया तो पी इंटू व्हाट ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू स्मॉल एन माइनस 1, समझाइए। चलो सुनाओ, सम पे फोकस कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, सो पी कितना है यहां पे 8000, देन एन कितना है 3 इयर्स, आर कितना है 12%, पी में हो गया, एन हो गया, आर हो गया, कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर हाफ ईयरली बेसिस, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर के कंसेप्ट आया स्मॉल आई कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट लेने का ही, आर अपॉन के इनटू 100, स्मॉल एन लेने का ही के इंटू कैपिटल एन। क्या फाइंड करना है मुझे, मुझे फाइंड करना है टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, मतलब मुझे फाइंड करना है ए का वैल्यू। तो एज इक्वल्स टू व्हाट, पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू स्मॉल एन। तो एज इक्वल्स टू व्हाट, पी कितना है 8000, 1 प्लस आई कितना है 0.06 रेस टू 6, या 1.06 रेस टू 6 दे दिया सर, तो क्या करेंगे 1.06 इंटू कितने बार इक्वल टू सर 5 बार, 1 2 3 4 5 मल्टीपल सर 8000 मल्टीपल कर लिया तो क्या आंसर आएगा 1148.15 माज जाल 1148.15 बोलोगे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 4, 5, 6 हम बाद में करते हैं। नाउ 7 देखो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट कैप्ट एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट आफ्टर 7 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूंगा सर यहां पे के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के का वैल्यू जब 1 होगा तो हमको यहां पे कन्वर्जन पीरियड वाला कंसेप्ट नहीं लिया, स्मॉल आई नहीं लिया, स्मॉल एन नहीं लिया तो भी चलता है। तो अब क्या करोगे यहां पे, यहां पे सिंपली ए फाइंड करना है फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कितना वैल्यू बनेगा हमें नहीं पता, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। तो ए फाइंड करना है, अमाउंट एक्यूमुलेटेड फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू एंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड वन एंड द सेम थिंग। ये मेरा क्या है प्रिंसिपल, ये मेरा क्या है एन, ये मेरा क्या है आर, तो कंसेप्ट बनेगा ए इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू कैपिटल एन, मतलब ए इज इक्वल टू 24,500 इंटू 1 प्लस 7 बाय 100 रेस टू 7, सॉल्व करो यू विल गेट द वैल्यू, समझाइए। डाउट्स तो मैं बोलूंगा यहां पे, चलो मैं कर ही देता हूं 1.07 इंटू 1 2 3 4 5
6 बार इक्वल टू, बिकॉज पावर में क्या दिया है 7 दिए, इनटू 24,500 कितना आ रहा है, यस प्रीमियम वैल्यू मेरा गया, बन गया मेरा डाउट्स। सो आई होप ये मैंने रफली किया, आप फेयरली कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, किया प्रोमिस्ड टू गिव केतन रुपीज दिस, सॉरी किया प्रोमिस्ड टू गिव केतन रुपीज दिस मच आफ्टर फोर इयर्स। तो बेसिकली पता है यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये मेरा हो गया सर ए और ये मेरा हो जाएगा एन, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, बराबर। ये अपने को गिवन दिया है, क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ इज नथिंग बट द व्हाट, प्रिंसिपल। प्रेजेंट वर्थ मतलब क्या होगा सर, यहां पे प्रिंसिपल। सो आपको क्या करना है, यहां पे सिंपल लॉजिक है सर, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पर वन सेकेंड, ये बाय क्या करना है, यहां पे मैं बोलूंगा यहां पे ए इज इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस R अपॉन 100 रेस टू कैपिटल, इनका फॉर्मूला यूज करना है 366025 इक्वल टू पी फाइंड करना है 1 + 10 डिवाइड बाय 100 रेस टू 4, एंड ये पूरा पार्ट आप सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करोगे ये सॉल्व करके आपको ये यहां पे डिवाइड करना है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं 10 डिवाइड बाय 100, जो भी आंसर आया प्लस 1 कर दिया, दैट इज 1.1 इनटू 4 बार इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सर 4 बार इक्वल टू कैसे होगा, पावर 5 है क्या, नहीं सॉरी 1.1 इनटू 3 बार इक्वल टू 1, 2, 3 बार इक्वल टू, यस। अब ये कितना आंसर आया सर, आंसर आया 1.4641। तो आप क्या करोगे 366025 डिवाइड बाय 1.4641, मतलब ये वाला पूरा पार्ट मैंने सॉल्व करके सिर्फ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये पूरा पार्ट सॉल्व करके मैंने इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहां पे 366025 डिवाइड बाय 1.4641, दैट इज 2,50,000, परफेक्ट। सो प्रेजेंट वर्थ कंसेप्ट है मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट है मतलब आपको ए फाइंड करना है। अभी ये सब अर्ली हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट है, तो आई स्मॉल एन कंसेप्ट जो मैंने अभी जस्ट करवाया वो लेके करेंगे, लेकिन अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली नहीं दिया है, कंपोनेंट एनुअली भी दिया ना, तो आपको नॉर्मल सम करने का बाइफोकेट करना समझ में आ रहा है, बिकॉज़ के का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर के का वैल्यू 1 है तो हमने उन्होंने आई कंसेप्ट स्मॉल एन कंसेप्ट लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ो करके मतलब ही नहीं है, समझाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, सिंपल एंड कंपाउंड फॉर 2 इयर्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, द सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, एन कितना है 2 इयर्स है, आर 7,200 and 7,632, मतलब 7,632 and 7,200 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, SIA एंड CI का अमाउंट है, फाइंड करना है प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं बोलूंगा यहां पे पहली बात तो ये मेरा हो गया, मुझे फाइंड करना है पी का वैल्यू, मुझे फाइंड करना है आर का वैल्यू। सो आई होप यहां तक वो क्लियर हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यस 5, क्वेश्चन नंबर 5, ईयर एन इज 2 इयर्स, SI कितना है 7,200, CI is 7,632, हमको फाइंड करना है P का वैल्यू एंड हमको फाइंड करना है R की वैल्यू। ठीक है, नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि SI is equals to, we know that के P and R
अपॉन 100, एस आई 7200, पी नहीं पता, एन 2 ईयर्स, आर नहीं पता अपॉन 100, ठीक है. सो वी कैन से दैट 3600 इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. नाउ वन सेकेंड, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू कैपिटल एन माइनस 1. सो ये फॉर्मूला है. Now, मैं क्या बोलूंगा, सी आई कितना अपना 7632 इज इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू कैपिटल एन इज टू माइनस 1. सो नाउ 7632 इज इक्वल टू पी इंटू, अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. सो मैं क्या बोलूंगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया. सो क्या वैल्यू आएगा, 7632 इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से समझना इसको. सो मैं बोलूंगा ये 2pr अपॉन 100 प्लस pr, सी r स्क्वायर, pr इंटू r स्क्वायर है, ईयर अपॉन 100 एंड ईयर आल्सो अपॉन 100. Now, 7632 is equals to 2 times 3600 plus 3600 into R divided by 100 from 1. ठीक है, सो ये बनेगा, ये मल्टीपल करके वैल्यू जो भी आएगा यहां पे माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 432 is equals to, see multiplier कितना value आ रहा है, 3600 into 2 becomes 7200, minus कर दिए यहाँ पे, so 432 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बना सर, यहाँ पे बनेगा 36R, ना इसको divide कर दो, कितना value आ रहा है, 432 divided by 36, answer is 12, तो मैं बोलूँगा R is nothing but the what, 12%. अब आपको क्या करना है, अभी आपको R का value put करना है, equation number 1 में, so जब आप R का value equation 1 में put करोगे, you will get the value of P, समझाइए, see here. Put the value of R in equation 1, 3600 is equals to P into R ka value, that is 12 divided by 100. So P ka value kitna aa gaya, 30,000. Check. See. Samjhaiye. Now, isme koi doubt hai? I hope pura clear ho gaya aapko. एस आई दिया है, सी आई दिया है, एन दिया है, आर फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, तो पहले एस आई का फॉर्मुला यूज कर दिया, इसमें बना पी आर अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना, 3600, देन एस आई सी आई का फॉर्मुला यूज किया, सॉल्व किया, एक्सपांड किया, एक सर्टन टाइम पे आपको पी आर अपॉन 100 का वैल्यू पुट करना पड़ा 3600, एंड देन आपको आर मिल जाएगा, जैसे आर मिल गया आप डायरेक्टली आपको आर का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी. सो आई होप सबको क्लियर हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई. अब डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई लिखू या एस आई एंड सी आई लिखू, बट एट दी एंड सी आई माइनस एस आई ही होने वाला है, बिकॉज सी आई ऑलवेज बी ग्रेटर देन एस आई कंसेप्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. नाउ फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, कि आपको ना ये सी आई का फॉर्मूला, ये एस आई का फॉर्मूला, सी आई माइनस एस आई, नाउ दोनों में से पी कॉमन ले लो, जब आप पी कॉमन ले लोगे ना आपका फॉर्मूला समथिंग ऐसा बन जाएगा, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 कैपिटल एन माइनस 1 माइनस एन आर अपॉन 100. सो आपको क्या करना है, आपको स्थिति को यहां पे चार टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको फाइंड करना होगा सी आई माइनस एस आई की वैल्यू.
क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें फाइंड करना होगा पी का वैल्यू. क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें फाइंड करना है एन का वैल्यू. फोर, ये आपको आर फाइंड करना है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चार टाइप की वेराइटीज है और कोई नहीं आने वाला नहीं इसके अंदर. सो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली क्वेश्चन में समझना है कि आपको फाइंड क्या करना है एंड कौन सी वैल्यू किसकी है. ठीक है, सी हियर क्वेश्चन नंबर फोर्थ. डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन अमाउंट फॉर फोर इयर्स इज 1:8, इज 1:82, इज 1:82. ठीक है, मतलब सी 1:82. ठीक है, एंड दैट इज ये मेरा हो जाएगा. वन सेकेंड, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू है. नाउ फॉर फोर इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा बेसिकली है एन की वैल्यू, ये है मेरा आर की वैल्यू. तो R दिया है, N दिया है एंड आपको सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल की वैल्यू. सो आपको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूला. मैं बोलूंगा ये वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज N भी है. ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू यहां पर डिवाइड करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P. सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. सो आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट. फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सी आई माइनस एस आई 1:82, एन फोर इयर्स, आर 10%, पी फाइंड करना है. सी आई माइनस एस आई इक्वल टू व्हाट, पी इनटू ब्रैकेट में 1+R/100 रेस टू कैपिटल एन -1 -NR/100. सी मुझे ना बहुत सारे सम्स लेने हैं बिकॉज अगर मैं सम्स ज्यादा नहीं लूंगा तो आपको पूरा चैप्टर का कवरेज प्रॉपर नहीं मिलेगा. सो आई वॉन्ट कि मैं कम से कम 95-96% पूरा चैप्टर का कवरेज यहां पर ले लू आपको. सो मुझे वीडियो लेंदी भी नहीं करना है एंड मोस्ट ऑफ कंसेप्ट जितना हो सके उतना मैं वीडियो में ले लूं. सो दैट आप जैसे मेरा वीडियो देखोगे एट द सेम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे एक ही टाइम पे, कम ड्यूरेशन में, कम टाइम में पूरा पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक एक वीडियो आपको लगता है 2-2.5 घंटे का वीडियो बन रहा है, बट ये 2-2.5 घंटे के लिए हमको 5 से 6 घंटा 7 घंटा मेहनत करना पड़ता है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उस टाइम पे आप प्रैक्टिस भी करने लगो सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए. थोड़ा सा मुझे फास्ट जाना पड़ रहा है बिकॉज अगर लेंदी वीडियो होगा तो लोग आर्स देख करके वीडियो आगे देखते नहीं है कि 3 आर्स का है सर, 4 आर्स का है, 5 आर्स का वीडियो है, तो मुझे कट शॉर्ट करके उसको छोटा ही करना पड़ता है. कुछ कुछ सम्स वहां पे लिख देना पड़ता है पहले से. अगर मैं लिखते रहूंगा ना वीडियो में तो एट द सेम टाइम वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट दे पाऊं. सो आई रिक्वेस्ट कि मैं जो सम्स कर रहा हूं अगर थोड़ा आपको स्पीड लग रहा है तो आप प्लीज उसको वापस से बैक जाकर के वापस उसको कंसेप्ट समझो. समझ में आ रहा है? मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको मैं कम स्पीड में जितना हो सके इतना क्वेश्चन के अंदर जाके आपको समझा सकूं, इनडेप्थ हो सके उतना करवा सकूं. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. प्लीज आप भी साथ में एट द सेम टाइम ट्राई करो. ठीक है, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा. नाउ एसआई का एसआई माइनस सीएस इक्वल्स टू व्हाट, पी इनटू ब्रैकेट में 1+R/100 रेस टू कैपिटल एन -1 -NR/100. ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया. अब जो जो वैल्यू दिया है जस्ट वो सारे वैल्यूज मुझे यहां पे पुट अप करने हैं. सारे वैल्यू पुट अप कर दिए मैंने यहां पे. अब क्या करूंगा मैं, ये ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा. ब्रैकेट सॉल्व करके पावर में क्या दिया, 4 दिया है, मतलब 1+10/100 रेस टू 4, मतलब 10 ÷ 0.1 + 1 कितना हो गया 1.1 रेस टू 4 कितना हो जाएगा सर, ये दैट इज 1.1 रेस टू 4 इज 1.1 × 4 है, मतलब 3 बार इक्वल टू. कितनी बार? 3 बार इक्वल टू. क्यों सर? पावर 4 है ना. अगर पावर 7 दिया तो 6 बार इक्वल टू, 6 टाइम्स इक्वल टू. पावर 8 टाइम्स इक्वल टू. पावर 2 दिया तो 1 टाइम इक्वल टू. पावर 5 दिया तो 4. यहां पे पावर 4 है, कितनी बार? 3 टाइम्स. तो 1.1 1 2 3 3 टाइम्स इक्वल टू, ठीक है,
माइनस वन, समझाइए, तो मैंने थ्री टाइम्स इक्वल टू कर लिया, देन माइनस वन भी किया एट द सेम टाइम, देन माइनस 0.4। नहीं समझा मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये पार्ट सॉल्व किया, फिर माइनस वन किया, मतलब जो एज इट इज है फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैंने, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया यहां पे, 4 इंटू 10 बाई 100 दिया, मतलब 0.4 हो गया ये। अब ये पूरा पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके कितना मिल रहा है 0.041। अब ये क्या होगा, ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगा 1282 के, ये 12, ये जो पार्ट है बेसिकली ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, देन मुझे पी का वैल्यू मिल जाएगा कितना सर 20,000। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला 6 के अंदर, डिफरेंस बिटवीन एस सी आई एंड एस आई ऑन रुपीज 12,000, ठीक है, फॉर फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। सो मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि भाई मेरे को सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई फाइंड करना है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा एन है, ये मेरा आर है, ठीक है। सो पी भी दिया, एन भी दिया, आर भी दिया, मुझे सी आई माइनस एस आई। सो मैं क्या करूंगा, सो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लूंगा यहां पे, फॉर्मूला में डायरेक्टली पी का वैल्यू पुट करूंगा, मैं एन का वैल्यू पुट करूंगा, मैं आर का वैल्यू पुट करूंगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करना मैंने अभी जैसे आपको सिखाया, ये सॉल्व के तुरंत, ये सॉल्व करके तुरंत मैं मल्टीपल विथ पी कर दूंगा, जैसे मैं मल्टीपल विथ पी करता हूं एट द सेम टाइम मुझे क्या मिलेगा सी आई माइनस एस आई की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आई। सो मैं ये चाहता हूं ये सम आप खुद से करो, डू इट योर सेल्फ, डी आई वाई। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेप्रिसिएशन। नाउ यहां पे कैसा है, आपको जो कंसेप्ट दिया है बेसिकली वो कैसा है कि से फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपीज, अब उस मशीन को 5 साल तक यूज कर रहे हो, सो अगर 5 साल के बाद अगर आपको उसको सेल करना है तो मैं आप कितने में आप सेल करोगे, तो डेफिनेटली सर 5 साल तक हम जो मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर चार्ज किया, सेकंड ईयर चार्ज किया, थर्ड ईयर चार्ज किया, फोर्थ ईयर चार्ज किया, फिफ्थ ईयर चार्ज किया, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा, जो फाइनल अकाउंट में दिखेगा कि ये सो एंड सो मशीन है जो 1 लाख का था आफ्टर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, उसका वैल्यू सो एंड सो बन गया, तो वो वैल्यू क्या होगा ये कंसेप्ट आपको यहां पे फाइंड करना है। और यहां पे जो मेथड है डेप्रिसिएशन का इज रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, एसएलएम मेथड नहीं है, बिकॉज एसएलएम ऐसा मेथड है सर जिसके अंदर मशीन का वैल्यू जीरो हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन डब्ल्यूडीबी में क्या है, डब्ल्यूडीबी रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, उसमें क्या है, उसमें असेट का वैल्यू कभी जीरो होता ही नहीं है। तो अगर एक मशीन है जिसको मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं एवरी ईयर, तो 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या बनेगा, तो उसका वैल्यू जो भी बनता है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, उसको मैं बोलूंगा वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स के बाद, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूं, तो 10 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू बनेगा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगा, वो वैल्यू पे मुझे सेल करना पड़ेगा, वो वैल्यू पे मुझे सेल करना है, वो वैल्यू पे सेल होगा मार्केट में या नहीं होगा वो क्वेश्चन मार्क है। अगर से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का मशीन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट ईयर, नाइन्थ ईयर, टेंथ ईयर, 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा, सो आफ्टर 10 ईयर्स उसका वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल हो गया 1 लाख का, हो गया से फॉर एग्जाम्पल 48,000। सो वो 48,000 में मुझे सेल करना है, बट 48,000 पे ही सेल होगा वो गारंटी है क्या, नहीं, ज्यादा में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है, उतने में भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, उसको हम लोग साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए, हम सिर्फ फोकस करते हैं मैक्स कंसेप्ट के ऊपर। तो यहां पे आपको जो फॉर्मूला दिया रहेगा उस फॉर्मूला से आपको मालूम पड़ेगा कि आफ्टर सर्टन ईयर जब मैं डेप्रिसिएशन सो एंड सो रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज कर रहा हूं, तो आफ्टर सर्टन ईयर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो
फाइंड करना है और वही वैल्यू में मुझे रीसेल करना है, उस वैल्यू में मुझे सेल करना है, उस वो जो वैल्यू मिलेगा उसको मैं बोलूंगा स्क्रैप वैल्यू, और वी कैन से दैट डेप्रिशिएटेड वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इसीलिए बिकॉज मुझे उस वैल्यू में सेल करना है, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, बंगार के भाव भेजूंगा लेकिन 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 उसी रेट में बिकेगा वो गारंटी नहीं है, समझाइए। तो जिस भी रेट पे बिकेगा उसको मैं बोलूंगा स्क्रैप वैल्यू, बट फिलहाल आफ्टर फाइव इयर्स जो वैल्यू बनेगा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन उस वैल्यू को मैं बोलूंगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू। क्या बोलूंगा उसको मैं? डेप्रिशिएटेड वैल्यू। क्लियर हुआ? तो सीधे फॉर्मूला, यस, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या आएगा? P into 1 माइनस आई रेस टू स्मॉल एन। आई थिंक आपको आई एंड स्मॉल एन कंसेप्ट मालूम है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। P मतलब ओरिजिनल प्राइस एंड ये क्या मेरा डेप्रिशिएटेड वैल्यू का फॉर्मूला है, कि मतलब अगर समझो ओरिजिनल प्राइस 1 लाख रुपीज है, डेप्रिशिएशन आप चार्ज कर रहे हो तो सर के बाद उसका वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू जो बन जाएगा उसको मैं बोलूंगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और WDV से करोगे तो वही वैल्यू आने वाला है बेसिकली, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कार वॉज बॉट एट 5,40,000, फाइंड इट्स रीसेल वैल्यू, रीसेल प्राइस मतलब बेसिकली डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स बाय कंसिडरिंग 8% डेप्रिशिएशन, बाय कंसिडरिंग 8% डेप्रिशिएशन। फर्स्ट सम, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 5,40,000, रेट ऑफ डेप्री 8% एंड 3 इयर्स, तो इसके बेस में मुझे आई मिल जाएगा 0.08 डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और वी कैन से दैट रीसेल प्राइस पी इंटू व्हाट? 1 माइनस आई रेस टू स्मॉल एन, तो पी का वैल्यू कितना है? 5,40,000, आई का वैल्यू कितना हो गया? 0.08, एन का वैल्यू कितना है? 3। सी यहां पे के कंसेप्ट है ही नहीं, यहां पे स्मॉल के कंसेप्ट ही नहीं है, तो के इंटू के कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब के का वैल्यू इन शॉर्ट 1 ही हो गया, तो 1 इंटू 3 इयर्स करू डेट इज 3 बनने वाला है, आर अपॉन के इंटू 100 करू स्मॉल आई का फॉर्मूला, तो भी वो क्या बनने वाला है? 8/1 × 100, तो बेसिकली वो आई का वैल्यू क्या बनेगा? 8/100 विच इज एज गुड एज 0.08। आप चाहो तो एक बार ये प्रेफर कर देना कंसेप्ट, मैं ये फाइल अपलोड करूंगा तो आप ये पूरा फाइल एक बार देख सकते हो, पूरा थियोरी का फाइल, जो भी सम्स मैंने प्रैक्टिकली किया है वो सारे फाइल्स, मतलब वो पूरा फाइल जो PDF ले रहा हूं क्वेश्चंस का, वो फाइल भी मैं अपलोड करने वाला हूं। 1 सेकंड, ये रहा, यस, आई का फॉर्मूला, स्मॉल एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला बेसिकली यूज कर सकते हो यहां पे, बिकॉज यहां पे के कंसेप्ट है ही नहीं, तो के कंसेप्ट ही नहीं है, तो हम लोग बेसिकली स्मॉल एन ले या कैपिटल एन ले कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला वाइज, आर ले या स्मॉल आई ले कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला वाइज, ठीक है। तो 8% मतलब 0.08, ये दैट यू कैन डू इट, यू कैन टेक इट। सो 1 - 0.08 कितना आएगा? 0.92। मैंने फॉर्मूला लिया, वैल्यू पुटअप किए, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, आई निकाला 8% है, दैट इज 0.08, तो 1 - 0.08 कितना है? 0.92। आई होप आप साथ में मेरे सम कर रहे हो, आप जिस वीडियो नहीं देख रहे हो आप सम साथ में कर रहे हो। 0.92 पावर क्या है सर? 3 है, पावर 3 है मतलब इंटू करके 2 बार इक्वल टू, जो भी आंसर है ऑन द स्पॉट मल्टीपल विथ 5,40,000 कितना है? 240,491.52। So now, an equipment was purchased at 10 lakh. ये अपना क्या है? Original price. Find its depreciated value for 5 years. ठीक है? फिर उसने क्या बोला आगे? Considering 8% depreciation for each year. मतलब आपको हर एक साल का value after depreciation find करना है. वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन फाइंड करना है। से फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन का वैल्यू है 1 लाख रुपीज, 10% डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो गया? 10% विल बी 10,000, तो वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन इज 90,000। सेकेंड ईयर में 10% चार्ज कर रहे हैं, तो 10% ऑन 1 लाख नहीं करना है, ऑन 90,000। मतलब जो का फर्स्ट ईयर का क्या था? वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो आएगा ना, फर्स्ट ईयर का वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका 10%,
दैट इज 9000, फिर वो माइनस करेंगे 9000 तो कितना आ जाएगा वैल्यू 81000। थर्ड ईयर में 81000 का 10% विल बी 8100, फिर वो 8100 माइनस करना पड़ेगा 81000 में से। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज अ रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड कंसेप्ट है। नाउ सो 10 लाख इज अ परचेस ओरिजिनल प्राइस, डेप्रिसिएट वैल्यू फाइंड करना है, हर एक साल का 8% डेप्रिसिएशन है। सो ओरिजिनल प्राइस इज 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8% एंड इज 5 ईयर, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, 8% का वैल्यू फाइंड कर दिया 0.08 करके। मुझे क्या करना है यहाँ पे, हर एक साल का वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे सर? मैं बोलूंगा यहाँ पे 10 लाख का 8% निकाल लो, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं 10 लाख है का 8% कितना आ जाएगा 80000, लिख दिया मैंने 80000। अब क्या करना है, 10 लाख माइनस 80000 विल बी 9,20,000, फिर 9,20,000 का 8% विल बी दिस वन, फिर ये माइनस करेंगे इसमें से तो मुझे वैल्यू ये मिल जाएगा 8,46,400। लॉजिक समझ में आ रहा हूं? सो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना। दैट इज फॉर एग्जांपल 10 लाख है, नाउ 10 लाख सॉरी 10 लाख है का 8% इंटू 8%, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इट्स सेल्फ डेप्रिसिएशन, इसके अंदर माइनस देन इक्वल टू करूंगा ना तो मुझे और एक वैल्यू मिलेगा, इसको मैं बोलूंगा डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो मैं बोलूंगा यहां पे देखो 10 लाख का 8% इज 80000, डेप्रिशिएशन में लिख दिया मैंने 80000, देन माइनस इक्वल टू दैट इज 9,20,000, फिर 9,20 मतलब ये वैल्यू क्या होगा, बार बार चेंज होगा ना वैल्यू, यहां पर 9,20 × 8% दैट इज 70,600 माइनस इक्वल टू मिलेगा मुझे 8,46,400, जो 8,46,400 आया ना उसका ही डायरेक्टली इंटू 8% 67,712, जो भी आंसर आया दैट इज 67,712 है ना, ये मेरा क्या डेप्रिसिएशन का वैल्यू है डायरेक्टली, माइनस इक्वल टू कितना वैल्यू आया 7,78,688, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, इसका इंटू 8% कितना है 62,295.04 माइनस इक्वल टू, तो मुझे क्या मिलेगा 716,392.96, इसका वापिस है इंटू 8% ये वैल्यू मिल गया। फिर क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 6,59,081.52, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सो यहां पे या तो फर्स्ट वैल्यू दैट इज फर्स्ट वैल्यू आएगा, उसके बाद जो आपका डेप्रिशिएट वैल्यू रहेगा फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएट वैल्यू का 8% माइनस इक्वल टू यू विल गेट सेकंड ईयर का डेप्रिशिएट वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन, फिर वो वैल्यू का इंटू 8% करोगे तो आपको मिलेगा थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन माइनस इक्वल टू कर दिया तो थर्ड ईयर का ही वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन मिलेगा, फिर उस वैल्यू का इंटू 8% किया तो फोर्थ ईयर का डेप्रिशिएशन वैल्यू मिलेगा, माइनस इक्वल टू कर दोगे तो फोर्थ ईयर का वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इजी है, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एन्यूटी। सो एन्यूटी मींस व्हाट, अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एन्यूटी। अगर मैं कोई भी अमाउंट पे कर रहा हूं एक सोएंसो पर्सन को या सोएंसो बैंक को, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या मैंने लोन लिया है वो मैं लोन पे बैक कर रहा हूं, हर पेमेंट्स के बीच में अगर टाइम गैप सेम है, उस कंसेप्ट को मैं बोलूंगा एन्यूटी, उस पेमेंट्स को मैं बोलूंगा एन्यूटी।
मैंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया बैंक में, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, पेमेंट फिफ्थ पेमेंट, हर एक के बीच में टाइम गैप सेम है, मतलब वो मेरा क्या एन्यूटी है, मैं एन्यूटी पे कर रहा हूं रिसीव कर। मैंने मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, उसके पास से मैंने पैसा लिया लोन, एक सर्टेन अमाउंट लिया कुछ पीरियड के लिए, उसको मैं पेबैक किया, फोर्थ पेमेंट किया, फिफ्थ पेमेंट किया, एट पेमेंट किया, टेन, हर पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप सेम है, उसको मैं बोलूंगा एन्यूटी। लेकिन अगर समझो फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई है, उसके पास से मैंने 500 रुपीज लिया, मैंने उसको फर्स्ट पेमेंट किया एक महीने बाद, सेकंड पेमेंट किया उसके 3 महीने बाद, थर्ड पेमेंट किया उसके 4 महीने बाद, फोर्थ पेमेंट किया उसके 1 महीने बाद, फिफ्थ पेमेंट किया उसके 5 दिन बाद, तो क्या यहां पे टाइम गैप, टाइम इंटरवल सेम है? अगर टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो वह एन्यूटी नहीं है। सी, अमाउंट ऑफ एन्यूटी फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, बट टाइम गैप सेम है तो वो एन्यूटी है, टाइम गैप सेम नहीं है तो इंस्टॉलमेंट है, एन्यूटी नहीं है। एवरी एन्यूटी कैन बी कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट, बट एवरी इंस्टॉलमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन्यूटी बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, कि अगर टाइम इंटरवल हर पेमेंट्स के बीच में सेम है तो वो एन्यूटी है, टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो एन्यूटी नहीं है। समझा यहां तक? वेरियस परपेचुअल एन्यूटी, फोरबॉर्न एन्यूटी, एन्यूटी इमीडिएट, एन्यूटी ड्यू एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप्स के एन्यूटी है, कंटिंजेंट एन्यूटी, डेफर्ड, सॉरी आई थिंक आई हैव नॉट टेकन हियर, डेफर्ड एन्यूटी, तो बहुत सारे टाइप की एन्यूटी है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ एन्यूटी इमीडिएट है, ओनली एन्यूटी इमीडिएट। सो टाइप्स ऑफ एन्यूटी के ऊपर मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको सिर्फ जो सिलेबस में आपके है बस वही पार्ट में करवा रहा हूं, दैट इज एन्यूटी इमीडिएट। अगर आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर वो सीएस में है तो उनको एन्यूटी इमीडिएट, एन्यूटी ड्यू कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ एन्यूटी में वहां पे आपको मिलेगा फोरबॉर्न एन्यूटी मिलेगा, परपेचुअल एन्यूटी का मीनिंग मिलेगा, सम सिर्फ दो टाइप के हैं उनको सीएस में, अगर कोई स्टूडेंट है तो टाइप ऑफ एन्यूटी बहुत सारे मिलेंगे, उसके मीनिंग्स मिलेंगे वहां पे, समझ आपको अंडरस्टैंड करने मिलेगा कि कौन फोरबॉर्न एन्यूटी क्या होता है, परपेचुअल क्या होता है, डेफर्ड एन्यूटी क्या होता है, कंटिंजेंट एन्यूटी क्या होता है, एन्यूटी ड्यू क्या होता है, एन्यूटी इमीडिएट क्या होता है। ठीक है, सीए अगर कोई सीएफसी कर रहा है तो उनको भी कंसेप्ट है एन्यूटी इमीडिएट, एन्यूटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है, बट अगर कोई बंदा बीकॉम कर रहा है तो उनको सिर्फ लेवल पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एन्यूटी इमीडिएट कंसेप्ट है, तो मैं सिर्फ फोकस एन्यूटी इमीडिएट पे कर रहा हूं। नाउ एन्यूटी इमीडिएट क्या होता है? पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो हर पीरियड के एंड में, उसको एन्यूटी इमीडिएट, और एन्यूटी इमीडिएट ऑल्सो कॉल्ड एज एन्यूटी रेगुलर। क्या बोलेंगे उसको? एन्यूटी रेगुलर। ना अभी ना यहां पे कोई बंदा सीएफसी कर रहा है उसको एन्यूटी इमीडिएट एंड एन्यूटी ड्यू है उनके पोर्शन में, ट्वेल्थ में एन्यूटी इमीडिएट डिफरेंट था, एन्यूटी ड्यू डिफरेंट था, सीएफसी में एन्यूटी इमीडिएट एन्यूटी ड्यू सेम बताया गया, एन्यूटी रेगुलर डिफरेंट है। सीएसएफसी में एन्यूटी इमीडिएट एन्यूटी ड्यू दोनों डिफरेंट बताया। सो आपको फिलहाल फोकस सिर्फ एफआई बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू करना है, अगर आप सीएस कर रहे तो सीएस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना, सीएफसी है तो उनको उनके पोर्शन के अकॉर्डिंगली पढ़ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एन्यूटी इमीडिएट, अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज नोन एज एन्यूटी इमीडिएट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन्यूटी रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली यहां पे क्या होता है, आप जो भी पेमेंट कर रहे हो हर पीरियड के एंड में, मतलब अगर आप क्वार्टरली पेमेंट, हाफ ईयर कर रहे हो, आप ईयर पेमेंट कर रहे हो, आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, हर महीने पे कर रहे हो, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, सी पे कर रहे हो, इन द सेंस आपने लोन लिया है उस कंसेप्ट का नहीं, पे कर रहे हो आप इन्वेस्ट, वो भी आप समझ सकते हो, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आपने लोन लिया है वो पे बैक कर रहे हो, वो सब कंसेप्ट अगर आप हर महीने के एंड में या हर क्वार्टर के एंड में या हर हाफ ईयर के एंड में या हर ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हो, मतलब इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एन्यूटी इमीडिएट। ठीक है ना, उसके अंदर आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए मींस व्हाट, अमाउंट एक्युमुलेट, ये सेम कंसेप्ट हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बट उसके अंदर क्या है
कि आपने एक ही बार डिपॉजिट किया, मतलब एक ही बार इन्वेस्ट किया और एक ही बार में पूरा पैसा मिल रहा है। यहां पे क्या है, आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साथ में मिलेगा बट इन्वेस्टमेंट बार बार कर रहे हो। मतलब जब भी आप एन्यूटी पढ़ो तो ये समझ लो कि आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला स्कीम, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखो। बट जब आप CISI कर रहे हो तो समझो कि वहां पर कंसेप्ट है FD वाला, वन टाइम इन्वेस्ट वन टाइम आपको मिलेगा पैसा। समझ में, एक ही बार पूरा पैसा मिल जाएगा। यहां पे क्या, एक बार इन्वेस्ट, बार बार इन्वेस्ट करो, एक साथ में मिलेगा। समझ में आया? तो कितना अमाउंट जमा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कॉल्ड एज अमाउंट एक्यूमुलेटेड, और वी कैन से दैट फ्यूचर वैल्यू। जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है तो मतलब ये मत समझ लो कि ये एन्यूटी का ही होगा। फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग होता है अमाउंट एक्यूमुलेटेड। अगर कंसेप्ट में, क्वेश्चन के अंदर आप कोई अमाउंट बार बार पेमेंट कर रहे हो तो वो एन्यूटी का समय। बार बार पेमेंट नहीं कर रहे हो सर तो कंसेप्ट SI या CI का होगा, वहां पे दिया रहेगा कौन सा इंटरेस्ट है। नॉट मेंशन देन ऑलवेज अज्यूम सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट टाइप ऑफ, नॉट मेंशन देन ऑलवेज अज्यूम सिंपल इंटरेस्ट, किसके अंदर नॉर्मल सम को दिया रहेगा। बट ये सम अगर ऐसा दिया कि आप कोई वैल्यू बार बार पेमेंट कर रहे हो तो क्वेश्चन किसका है, एन्यूटी कंसेप्ट का है। तो एन्यूटी कंसेप्ट का आपको ए फाइंड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट अगर आपको बार बार पेमेंट नहीं कर रहे हो, कोई भी आप बार बार कर रहे हो, बार बार पेमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब वो कंसेप्ट का नहीं है, वो कंसेप्ट CI का होगा। अगर SI दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली करो, CI दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, ए फाइंड करो। फॉर्मूला इज C/I इंटू 1+I^n-1। सेम यहां पे क्या है, C/I इंटू 1-1+I^n। C मतलब क्या, अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट। आप बार बार इन्वेस्टमेंट करोगे, बार बार पेमेंट कर रहे हो, लूंगा सी का वैल्यू, वो मतलब वो जो वैल्यू सी का है। स्मॉल एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर इज नथिंग बट द व्हाट, स्मॉल एन। सर ऐसा क्यों? अरे स्मॉल एन का मैंने अभी वो मीनिंग बताया था, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर इज नथिंग बट द व्हाट स्मॉल एन, कन्वर्जन पीरियड में सिखाया था मैंने। अच्छा, और वी कैन सी दैट नंबर ऑफ टाइम्स एन्यूटी पेड इन अ टर्म। ऐसा क्यों सर? बिकॉज अगर मैं पेमेंट मंथली करूंगा तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली होगा, मैं पेमेंट ईयरली करूंगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी होगा, मैं बैंक को पेमेंट हाफ ईयरली बेसिस पे करूंगा तो बैंक भी इंटरेस्ट कैसे करेगा, हाफ बेसिस पे करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिकरिंग जैसे मेरा अकाउंट है वहां पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ मंथली, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली ही होता है। अगर मेरा 2 साल का तो फर्स्ट पेमेंट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड पेमेंट 3 मंथ्स का मिलेगा, थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है मेरा, थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है इन्वेस्टमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ 22 मंथ्स का मिलेगा। मतलब जितनी बार मैं पेमेंट करूंगा ना उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा, उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म, बोलू स्मॉल एन या नंबर ऑफ टाइम्स एन्यूटी पेड इन अ टर्म, एक ही बात हो गया। बाकी आपको स्मॉल एन और आई का फॉर्मूला, आई का वैल्यू निकालना आता है, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, R/K × 100। आई इज इक्वल्स टू R/K × 100 एंड स्मॉल एन इज इक्वल्स टू K × N। ये तो पता ही है सबको, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलू K का मतलब क्या, तो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, ठीक है। मूव ऑन टू द सम्स नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिया इन्वेस्ट ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने के एंड में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कंसेप्ट किसका है सर, बार बार पेमेंट करेगी, बार बार इन्वेस्ट करेगी हर महीने के एंड में, मतलब इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एन्यूटी फॉर 4 इयर्स एट 9% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द फाइनल अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर 4 इयर्स, मतलब कितना अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 4 इयर्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मतलब उसको कितना अमाउंट मिलने वाला है चार बाद, मतलब इट्स अ कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, और वी कैन से दैट अमाउंट एक्यूमुलेटेड, कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली,
एकदम सिंपल है, पहले आप ये समझो कि कौन सा वैल्यू किसका है। पहली बात तो ये आर का वैल्यू है, ये कैपिटल एन का वैल्यू है। एट द एंड ऑफ एवरी वन मतलब सर एक साल में 12 बार इंस्टॉलमेंट पे होगा। अच्छा के का वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था यहां पर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ टाइम्स इंस्टॉलमेंट पेड या एन्यूटी पेड इन अ ईयर, साल में कितनी बार एन्यूटी पे किया, साल में कितनी बार इंस्टॉलमेंट पे किया। सी जितनी बार मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, जितनी बार मैं एन्यूटी पे करूंगा, उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। तो यहां पे के का वैल्यू विल बी 12। ठीक है, ये मेरा क्या, ये मेरा सी का वैल्यू है। सी मतलब अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट, अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट। सो आई होप पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए कौन सा वैल्यू किसका है। मुझे फाइंड करना है ए का वैल्यू। सो नाउ नोट डाउन कर दे यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेन क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4 है। ओके सी इज 6000, के इज 12, कैपिटल एन इज 4 ईयर, कैपिटल आर इज आई थिंक 8% और 10%, 9% सॉरी 9%। तो मैं स्मॉल आई निकालूंगा, स्मॉल एन निकालूंगा। सर क्यों, बिकॉज ये आई एंड स्मॉल एन साइड में रखे 2 मिनट के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है लिखना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड, दैट इज ए ऑफ एन एन्यूटी। कौन सी एन्यूटी है सर, इमीडिएट। सी बेसिकली आपको सिर्फ एन्यूटी इमीडिएट ही है, बट आपको क्या फाइंड करना है आप यहां पे लिख देना बस। आपको ए फाइंड करना है, कभी आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने बोलेंगे, कभी आपको सी फाइंड करने बोलेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट ब्रैकेट में सी। नाउ यू टू फाइंड अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट ब्रैकेट में सी। कौन सी एन्यूटी है, एन्यूटी इमीडिएट है, आपको एन्यूटी इमीडिएट ही है एफ आई बी कॉम सिलेबस में। ठीक है, सो नाउ मैं ऐसा बोलूंगा कि ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई इंटू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। नाउ क्या मेरे पास आई का वैल्यू है, नहीं है, बट मैं फाइंड कर सकता हूं यस। स्मॉल एन का वैल्यू है, नहीं है, फाइंड कर सकता हूं यस। कैसे, आर अपॉन के इंटू 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन 12 इंटू 100। कितना आएगा ये, 9 डिवाइड बाय 1200 इज 0.0075। ठीक है, स्मॉल एन कितना आएगा सर, के इंटू कैपिटल एन दैट इज 12 इंटू 4 दैट इज 48। ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, देखते हैं चलो अभी आगे क्या होगा। यहां पर 6000 डिवाइड बाय आई का वैल्यू 0.0075 इंटू 1 प्लस 0.0 सॉरी 75 रेस टू 48 माइनस 1। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व पहले ये पूरा पार्ट करेंगे, ये पूरा पार्ट करना पड़ेगा, देन मल्टीपल 6000 डिवाइड बाय 0.0075। सो पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले भी एक मुझे इंटरनल जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैंने लिख दिया 1.0075 इंटू पावर ऑफ 48 है, मतलब कितनी बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा सर, 47 टाइम्स। कितनी बार, 47 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आई होप सब साथ में कर रहे हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 टाइम्स इक्वल टू कर दिया, देन माइनस 1 इक्वल्स टू मल्टीपल 6000 डिवाइडेड बाय 0.0075। कितना आंसर आया,
3,45,000, 124.26, 266 बेसिकली, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आप 0.26 लिखो या 0.27 लिखो चलेगा, ठीक है? सो आंसर इज यस 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 3,45,000, 124.27 राउंड ऑफ किया इन्होंने, समझा यहां तक? कोई डिफिकल्टीज? सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए देखो, विरल डिपॉजिट्स रुपीज 800 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर तीन महीने में एक बार, तो साल में कितनी बार? चार बार, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना? 800 फॉर थ्री इयर्स, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड इट्स फाइनल वैल्यू। तो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पे, ये मेरा कैपिटल एन है, ये मेरा आर है, ये मेरा सी का वैल्यू है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब सर हर तीन महीने में एक बार, तो साल में कितनी बार? तीन महीने में एक बार, साल में छह महीने में दो बार, साल में चार बार वो डिपॉजिट करता है सर, तो के इक्वल्स टू व्हाट? फोर। जितनी बार वो इन्वेस्ट करेगा, जितनी बार वो डिपॉजिट करेगा, उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो के इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ ईयर और नंबर ऑफ टाइम्स इंस्टॉलमेंट पेड इन अ ईयर, समझाइए। तो के एन और आर, ये इसके बेस पे मैं स्मॉल आई एंड स्मॉल एन निकाल सकता हूं, ये मेरा सी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे फाइंड करना है ए का वैल्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, सेम वे से करना है बेसिकली, समझाइए। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, पहले सेवेंथ करेंगे अभी, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 16,000 पर ईयर फॉर थ्री ईयर्स एट 10%। तो मैं बोलूंगा यहां पे, पहली बार तो ये मेरा आर हो गया, ये मेरा कैपिटल एन हो गया, एन्युटी पे कर रहे हैं हम लोग 16,000 का, डेट इज ये मेरा बेसिकली सी का वैल्यू हो जाएगा पर ईयर, मतलब साल में एक ही बार वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब के का वैल्यू विल बी वन। आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू, क्या फाइंड करना है आपको? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये, चलो फॉर्मूला ये रहा प्रेजेंट वैल्यू का, स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मैं ऐसा बोलूंगा कि C इज नथिंग बट द व्हाट? 16,000, K का वैल्यू 1 हो गया, कैपिटल N इज 4 इयर्स, आई थिंक 4 इयर्स ही है ना, 3 इयर्स, सॉरी सॉरी 3 इयर्स एंड 10%, 3 इयर्स, R इज 10%, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मुझे फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू, सो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो मुझे इस कंसेप्ट के बेस पे, दैट इस कंसेप्ट के बेस पे मुझे आई फाइंड करना पड़ेगा, आर अपॉन के इनटू 100 करके, दैट इज 10 डिवाइड बाय 1 इनटू 100, दैट इज 0.1, एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू व्हाट? के इनटू कैपिटल एन, 1 इनटू 3 इज इक्वल टू 3, नाउ वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू सॉरी ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। सो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है मुझे, कैसे करेंगे? तो पी का फॉर्मूला इज सी अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू इज 16,000 अपॉन 0.1, 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेस टू माइनस एन, दैट इज माइनस 3, 16,000 डिवाइड बाय 0.1। सी ब्रैकेट पूरा सॉल्व होने के बाद मल्टीपल 16,000 डिवाइड बाय 0.01, बट मेन पहले ब्रैकेट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो 1.1 रेस टू माइनस 3। सी एकदम ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा इस कंसेप्ट के लिए, मैं 1.1 रेस टू 3 सॉल्व करूंगा, देन उसके बाद तुरंत डिवाइड इक्वल टू करूंगा, क्या करूंगा इसका तुरंत डिवाइड इक्वल टू, ये ट्रिक है। जब भी 1.1 रेस टू मतलब कोई भी वैल्यू रेस टू माइनस में दिया है, तो माइनस को दो मिनट के भूल जाओ,
2 मिनट के लिए उसको माइनस को बोल दो, मतलब 1.1 raise to -3 है, बट मैं कंसीडर करूंगा 1.1 raise to 3। क्या कंसीडर करूंगा मैं? 1.1 raise to 3। तो अगर 1.1 है तो 1.1 into raise to 3 कंसीडर किया मैंने, 2 बार इक्वल टू, तो 1.1 raise to 3 हो गया। सिंस पावर नेगेटिव में है, सिंस पावर नेगेटिव में है, सिंस पावर नेगेटिव है, इसीलिए मैं डिवाइड इक्वल टू करूंगा, इसीलिए डिवाइड इक्वल टू, इसीलिए डिवाइड इक्वल टू। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो आंसर इज 16,000 divided by 0.1। मैं चाहता हूं कि ये सम के अंदर आप इसका वैल्यू डेसिमल के बाद 3 से 4 वैल्यू लो, 0.7513, 4 वैल्यू ले लिया मैंने। अब डायरेक्टली मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, समझाइए। कितना आया? 39,789.63, ये मेरा फाइनल आंसर है, 39,789.63। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? सी बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, ये मैंने आपको समझाना रह गया, आई एम सॉरी, मैंने आपको अमाउंट एक्यूमुलेट समझा दिया। प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट प्रिंसिपल, ये ऐसा वैल्यू होगा जो मैंने लोन लिया है, बोरो किया है और उसको विद इंटरेस्ट चुकाना है, विद इंटरेस्ट पे करना है। तो मैं 16,000 तीन बार पेमेंट करूं, तो अगर मैं देखो ना 16,000 into 3, साल में एक बार 3 साल तक, तो 4,000 पे करूंगा, बट मैंने लोन होगा तो मैंने लोन लिया होगा 39,789 something। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये के अंदर प्रिंसिपल फैक्टर भी है एंड इंटरेस्ट फैक्टर भी है। मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल फैक्टर निकालना है, टोटल प्रिंसिपल फैक्टर निकालना है, टोटल कितना अमाउंट बोरो किया होगा, लेना है कितना लोन होगा पहले वो फाइंड करना है। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या फाइंड कर लिया? पी फाइंड कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया कि कितना बोरो किया होगा, कितना लोन लिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने बोला। प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द वर्ड प्रिंसिपल। आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सब में भी पूछ सकते हैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अरे प्रेजेंट वैल्यू बोला मतलब वो एन्युटी का सम होगा, जरूरी नहीं है। अगर एन्युटी वर्ड लिखा है या फिर आपको ऐसा दिया है कि वो अमाउंट हम बार बार पेमेंट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो ही आपको एन्युटी कंसेप्ट लेना है, वरना एन्युटी कंसेप्ट लेना नहीं है। तो आपको सिंपल है, कंपाउंड से करना है, समझाइए। एन्युटी का सम है तो ही आप एन्युटी सम का प्रेजेंट वैल्यू लोगे, अदरवाइज सिंपल या कंपाउंड जो भी सम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, समझाइए। एन्युटी के सम में भी आपको लिखा होता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट फाइंड करने का जो तरीका है, वे है, मेथड है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बट वो कंसेप्ट एन्युटी का ही है। अगर बार बार पेमेंट किया तो एन्युटी का सम है, बट उसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो इंटरेस्ट सिंपल से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट से होता है, बिकॉज उसके अंदर पैसा एट द एंड ऑफ द टर्म मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ यहां तक? सो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट एन्युटी का है तो आप एन्युटी के फॉर्मुलाज लोगे, कंसेप्ट एन्युटी का नहीं है तो आप सिंपल कंपाउंड वाला फॉर्मुलाज लेकर के सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रिंसिपल, अमाउंट एक्यूमुलेट मतलब फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में मिलने वाला है। क्लियर? सो आई होप आपको एक सेंस समझ होगा, बस ये ट्रिक आपको ध्यान से समझ लेना। बस अगर मैं बोलूं 1.08 to -4 दी है तो मैं क्या करूंगा, 3 बार इक्वल टू दबाऊंगा। 1.08 raise to अगर 4 दिया है, सॉरी -4 दिया है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर 1.08 raise to 4 सॉल्व करूंगा, दैट इज 1.08 into 3 बार इक्वल टू, देन डिवाइड इक्वल टू कर दूंगा। क्यों? बिकॉज नेगेटिव में नहीं है, अगर नेगेटिव में नहीं होता तो डिवाइड इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया तुमको? क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, केतन परचेज अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक विथ इनिशियल पेमेंट ऑफ ₹20,000 and six monthly installments of ₹5,000 each। मतलब 6 महीने तक उसने इंस्टॉलमेंट पे किया मंथली बेसिस पे, मतलब हर महीने 5,000 पे कर रहा है वो। इफ द सेलर विशेस टू गेट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द प्राइस ऑफ द बाइक। सबको क्या फाइंड करना है? बाइक का प्राइस फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है कि उसका भाई एक्चुअल वैल्यू कितना था। Now, say for example. Now, initial payment कितना है? 20,000 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे down payment कितना हो गया यहाँ पर? Okay, 6 monthly installments बोला है, मतलब
हम पेमेंट जो कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट जो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब पूरे साल भर में कितनी बार करना चाहिए, 12 times। सी इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑल्सो मंथली, अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी क्या होगा, मंथली बेसिस पे होगा। तो साल भर में कितनी बार होना चाहिए, 12 times। पर उसने टोटल इंस्टॉलमेंट पे किया ओनली 6। नाउ एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है, 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। फाइन करना है प्राइस ऑफ द बाइक। से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू है 15,000। नाउ मैंने डाउन पेमेंट कर लिया 5000, मुझे पे करना है 1000। मैं पे कर रहा हूं मंथली बेसिस पे, एक साल में पूरा पेमेंट कर दूंगा मैं। सो अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा तो मुझे विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो मेरा इंस्टॉलमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरा कुछ पोर्शन प्रिंसिपल होगा और कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होगा, कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का होगा, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होगा। सो मैं मंथली बेसिस पे 1000 पर मंथ पे कर रहा हूं फॉर 12 months। सो मैंने कितना पे किया, 12000। बट बेसिकली कितना पे करना बाकी था, 10000। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 12000 का प्रेजेंट वैल्यू, 12000 में से अगर मैं इंटरेस्ट फैक्टर निकाल दू, सिर्फ प्रिंसिपल फैक्टर टुगेदर करूं तो कितना आएगा, 10000 आ जाएगा ना। नहीं समझा, 12000 है पे करना, 12000 पे कर रहा हूं मैं मंथली बेसिस पे 1000 के हिसाब से। पे करना चाहिए था ओनली 10, बिकॉज 15 था ना प्रोडक्ट का वैल्यू, 5000 तो मैंने पे कर दिया डाउन पेमेंट, तो 10000। सो बेसिकली मैंने टोटल पे किया 12000, तो वो 12000 का प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, एंड वो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है, एक्चुअल प्राइस फाइंड करना है बाइक का, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा इंस्टॉलमेंट का, जो मैं 5000 पे कर रहा हूं 6 महीना तक, 6 installments पे किया, तो 5000 into 6 becomes 30000। तो वो 30000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो फाइंड करना है, दैट प्लस हम क्या सॉरी उसके अंदर ऐड करेंगे डाउन पेमेंट। तो 30000 दैट इज 5000 पर मंथ जो पे कर रहा हूं मैं, उस बेसिस पे मुझे फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू एंड उसके अंदर मैं ऐड करूंगा डाउन पेमेंट की वैल्यू। समझा ये ना, डाउन पेमेंट कितना है, 20000, स्मॉल आई इज 6, सी इज 5000, आर इज 12% एंड स्मॉल एंड के इज 12। सो ये सब मैंने वैल्यू यहां पे ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। सो नाउ तो मैंने आपको क्या बोला, अभी डाउन पेमेंट को साइड में रखो, जो बाकी कंसेप्ट दे, जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वो उस इंस्टॉलमेंट्स के बेस पे प्रिंसिपल फाइंड करो, उस इंस्टॉलमेंट के बेस पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो एंड दैट वैल्यू पे ऐड कर दो डाउन पेमेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1000 पर मंथ जो पेमेंट कर रहे हैं फॉर 12 months, उसका प्रेजेंट वैल्यू विल बी 10000। उसके अंदर ऐड करेंगे 5000 डाउन पेमेंट तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो स्मॉल आई मिलेगा आर अपॉन के इनटू 100 करके, ये सब हमने कर लिया ऑलरेडी। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी इमीडिएट, कौन सी एन्यूटी है, एन्यूटी इमीडिएट है, क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट अप कर दिए मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कैपिटल एंड फाइंड नहीं किया, मुझे मालूम है ये हाफ ईयर बनेगा सर, 6 monthly इंस्टॉलमेंट टोटल हर महीने पेमेंट कर रहे हैं सर, 6 installments पे किए, तो सर बेसिकली 6 months है, 6 months मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा सर, हाफ ईयर, 0.5 year, लेकिन मैंने नहीं किया, क्यों, बिकॉज कैपिटल एन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कैपिटल एन दिया होता तो मैं स्मॉल एन निकालता, फॉर्मूला में मुझे कैपिटल एन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने वैल्यूज पुट अप कर दिए। नाउ वी हैव टू सॉल्व, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस कंसेप्ट का वैल्यू बन जाएगा 1.01 raised to -6, तो 1.01 raised to -6। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 1.01 into 1, 2, 3, 4, 5, 6 times इक्वल टू दबाएंगे, नहीं सर 6 बार नहीं 5 बार, याद है मैंने आपको बोला था अगर पावर 6 दिया तो क्या करने का, ओनली 5 times इक्वल टू प्रेस करना है, पावर 7 दिया 6 बार इक्वल टू प्रेस करना है, पावर 2 दिया तो 1 time इक्वल टू प्रेस करना है, बट यहां पे पावर -6 दिया है तो माइनस को 2 seconds के लिए इग्नोर कर दो, 6 है तो क्या करेंगे 1.01 इंटू करके इंटू का बटन प्रेस करेंगे, देन इक्वल टू प्रेस करना है 5 times, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू, ये डिवाइड इक्वल टू क्यों करना है सर, जस्ट बिकॉज कि यहां पे क्या है नेगेटिव का साइन है, जस्ट बिकॉज यहां पे क्या है नेगेटिव का साइन है, समझाइए। तो चलो सॉल्व कर दे, सो नाउ
1.01 इनटू 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस कर दिया, डिवाइड इक्वल टू कर लिया, तो वैल्यू आ रहा है 0.9420। तो मैं लेता हूं यहां पे 1 माइनस 0.9420। अच्छा 5000 डिवाइड बाय 0.01 कितना वैल्यू आ रहा है, 5 लाख रुपीज। नाउ 1 माइनस 0.9420 ठीक है मल्टीपल विथ 5 लाख कितना वैल्यू आ रहा है, 20 प्लस दिस 49,000 अप्रोक्स। समझाइए, नाउ यू कैन चेक 48,950। ये इसीलिए बिकॉज उन्होंने डेसिमल के बाद, मतलब ये वाला पॉइंट उसने बहुत ज़्यादा वैल्यू लिया होगा आफ्टर डेसिमल। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 0.9420 के बदले और वैल्यूज दिए होंगे शायद से, सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा एक एरर आ रहा है 50 रुपीज़ का, बट अदरवाइज करेक्ट आंसर इज 49,000। मतलब दोनों आंसर करेक्ट है, समझाइए, मैंने आगे वैल्यूज नहीं लिए, जस्ट डेसिमल के बाद 4 वैल्यू लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। नाउ आशुतोष परचेज इनोवा कार विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 1,50,000 ओके एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू गेट 12% per annum Find the installment amount, okay, and given that the price of the car is 9,60,000, okay, must samayye. So, kaise karne hain answer samajh lo, okay, and the remaining amount to be paid in 10 equally quarterly installments. So, pehli baat to quarterly payment kar rahe hain, matlab k is equals to, see quarterly payment kar rahe hain, 6 mahine mein 2 baar, saal mein kitni baar, 4 baar. अच्छा कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए उसने, कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए उसने सर, एक सेकेंड, उसने इंस्टॉलमेंट पे किए टोटल 10, तो मैं पे बोलूंगा यहां पे दिया हुआ स्मॉल एन की वैल्यू 10 दे दी है। अच्छा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पे, कैपिटल आर इज 12%, प्राइस ऑफ कार कितना है, प्राइस ऑफ कार इज 9,60,000। सो बेसिकली टोटल एक बलाइमेंटो से मैं ऐसा बोलूंगा यहां पर, अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलू ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 15,000 टोटल वैल्यू है, 15,000 एक प्रोडक्ट का वैल्यू है फॉर एग्जांपल, जिसमें से डाउन पेमेंट इज 5,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है 10,000, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी, आपको अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट फाइंड करना है। तो सेम ईयर यहां पे क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड करना है, मतलब सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्रोडक्ट का 15,000 वैल्यू है, 5,000 डाउन पेमेंट पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल पोर्शन भी है एंड इंटरेस्ट पोर्शन भी है, तो सेम ईयर 960 इज द वैल्यू ऑफ दैट कार, उसमें से 1,50,000 पे कर दिया डाउन पेमेंट, तो कितना पे करना बाकी है 8,10,000, ये एक्चुअल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, ये मुझे पे करना है, बट ये पेमेंट करूंगा मैं इंस्टॉलमेंट से, तो 8,10,000 पे करना है इंस्टॉलमेंट से पे करूंगा, तो मुझे सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बट ये 8,10,000 क्या है मेरा, ये 8,10,000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। सो नाउ मूव ऑन टू द सम, मतलब सॉल्यूशन पार्ट से चालू करते हैं अभी। सो बेसिकली आपको ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया, डाउन पेमेंट दिया है, स्मॉल एन की वैल्यू दी है, के इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, प्राइस ऑफ कार दिया है, तो प्राइस ऑफ कार 960 दिया है, माइनस 150 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8,10,000, दैट इज प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर, यहां पे फॉर्मूला यूज होगा प्रेजेंट वैल्यू का, बिकॉज यहां पे प्रेजेंट वैल्यू इज 8,10,000 जो मुझे पे करना है विद इंटरेस्ट। सुना, डाउन पेमेंट इज गिवन 1,50,000, स्मॉल एंड 10 था, के इक्वल टू 4, कैपिटल आर इज 12%, आई हमने निकाला आर अपॉन के इंटू 100 करके, तो आपको फॉर्मूला भी याद ही हो गया होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ कार इज 960, लोन अमाउंट और वी कैन सी दैट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 8,10,000 जो मुझे पे करना है विद इंटरेस्ट। सो आई होप पूरा क्लियर हो गया,
ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, तो जो पूछा है वो किस वे से फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ जो गिवन पार्ट है, ऑन द बेस ऑफ क्या दिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बेस पे। ठीक है, सबको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलो, नाउ वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। तो प्रेजेंट वैल्यू इज सी अपॉन आई इंटू वन माइनस वन प्लस आई रेस टू माइनस एन, सो ये मेरा वैल्यू सब बन जाएगा। वैल्यू मैंने पुटअप किया, दैट इज 8,10,000 सी अपॉन 0.03 वन माइनस वन प्लस 0.03 रेस टू माइनस 10। सो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को पहले इधर लेके जाना जाऊंगा, तो ये बिकम्स 8,10,000 मल्टीपल 0.03 24,300 इक्वल टू सी इंटू वन माइनस सी। ये पार्ट अभी आप सॉल्व करना आपको आता है, क्या करना है 1.03 इंटू पावर में क्या दिए माइनस 10 है, तो माइनस को इग्नोर कर, थे पावर में, इसके बाद आपको डिवाइड इक्वल टू प्रेस करना है, तो 1.9 ठीक है, देन मैं बोलूंगा डिवाइड इक्वल टू प्रेस करूंगा मैं, कितना आंसर आया 0.74409 है, तो मैं राउंड ऑफ करके 1 ले लेता हूं यहां पर, 1 माइनस 0.7441 कितना वैल्यू बन गया 0.2559 ठीक है। यहां पे कितना है 24,300, ये यहां पे डिवाइड कर देंगे, विल गेट द वैल्यू, आई गेट द वैल्यू, दैट इज 94958.96 सो इट बिकम्स 94,958.96 अगर आप राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट 94,959 सो दे गिवन 95,034 बट ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर इज 94,958.96 आप राउंड ऑफ लेकर के नेक्स्ट स्टेप में राउंड ऑफ करके दैट्स ओके। सो नेक्स्ट मिता परचेज, क्वेश्चन नंबर 6, मिता परचेज रेफ्रिजरेटर विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 2,500, ये डाउन पेमेंट अपने को दिया हुआ है and the remaining amount to be paid in 6 equal monthly installments of rupees 1000 each, theek hai ek second, theek hai, find the price of the fridge if the company wants to earn 12% interest, kitna usko interest earn karna hai sir, 12% earn karna hai, interest earn karna hai, so basically yahan pe down payment diya hua hai, monthly installments is 1000, total installment usne pay kiya only 6, theek hai, to small n is kitna ho jayega, small n is 6, k is equals to 12 because monthly installment hai, capital r is 12%, C का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1000, ये अपना डाउन पेमेंट है 2500, फाइंड द प्राइस ऑफ फ्रिज, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, सो आई वांट कि आप वो सब खुद से करो, सॉरी आई वांट कि ये सब आप खुद से करो, डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया अपने को, अनु डिपॉजिटेड रुपीज 25,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स with interest as 12% per annum compounded quarterly, find the effective rate of interest, and accumulated value, so basically आपको effective rate of interest find करना है and accumulated value find करना है after 3 years, see अनु 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही है एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक पे कर रही है 25,000, बट 3 साल तक अगर वो पे करती है तो विद इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है वो मुझे फाइंड करके बताओ। सेकेंडली उसने बोला कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो बताओ,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पेमेंट वो ईयरली कर रही है बट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है ये, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हर बार क्या होता है, आप पेमेंट कर रहे हो ईयरली बेसिस पे तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी ईयरली होता है, पेमेंट कर रहे हो मंथली बेसिस तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी मंथली होता है, बट इस सब में क्या बोला है कि पेमेंट कर रहे हैं हम लोग ईयरली बेसिस पे बट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। नाउ सी हियर कैसे करना है। अच्छा आप सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज 1 + i raised to n - 1। जो भी आंसर आएगा मल्टीपल 100 करना है, आई विल गेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे एक कंपल्शन है, एक अजम्पशन है कि कैपिटल एन ऑलवेज भी वन ईयर ही होगा, ऑलवेज भी वन ईयर होगा। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक साल का इंटरेस्ट 12% है बट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट मुझे मोर देन 12 मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 10% बोलू या 10.32 बोलू, एक एग्जांपल बोला मैंने 10.32 पर एनम वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज यहां पे हाफ ईयरली केस में हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 10.2 में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो दोनों का कंसेप्ट सेम ही हो जाएगा। भले वो 10% है, ये 10.32 है, ये ज्यादा है बट ये कम है, बट ये दो बार कैलकुलेट हो रहा है साल में, 1 टाइम 2 टाइम्स, और इस साल में एक ही बार कैलकुलेट करेगा, तो इससे जो वैल्यू मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा और इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वन एंड द सेम थिंग। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये 10.32 मैंने अजम्पशन बोला, अपने हिसाब से बोला, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? थर्ड बी, सी दिया अपने को 25,000, कैपिटल एन दे दिया 4 ईयर्स, कैपिटल आर 12%, स्मॉल एन सॉरी के इज 4। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो आई का वैल्यू क्या है, आर अपॉन के इन टू 100, तो मैंने आई फाइंड कर लिया, स्मॉल एन फाइंड कर लिया, वेर कैपिटल एन क्या रहेगा, ऑलवेज भी वन ईयर रहेगा, यहां पे लिखा एन ऑलवेज भी वन इन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट, कैपिटल ऑलवेज भी वन। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज 1 + i raised to n - 1। जो भी आंसर आया मल्टीपल 100 करेंगे देन आई विल गेट द वैल्यू 12.55%। तो मैं 12% पर एनम बोलूं या 12.55% पर एनम बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। नाउ अभी मुझे फाइंड करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है? नाउ सी हियर, सो अगर एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स मुझे फाइंड करना है, सी एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, सो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई कैपिटल एन 3 ईयर है, स्मॉल एन का वैल्यू भी 3 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, ईयरली बेसिस पे, तो एन्युइटी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ईयरली बेसिस पे पेमेंट किया तो स्मॉल एन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 3। सर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे, तो अगर के का वैल्यू 1 लेते चलो, बट इंटरेस्ट कंपाउंडेड तो सर क्वार्टरली बेसिस पे, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पे है ना, इसीलिए मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया। अच्छा तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था इसलिए किया, नहीं देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा फाइंड करने इसलिए तो किया ही है, लेकिन अगर नहीं भी पूछा रहा तो भी मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता इसके अंदर, तो भी मुझे फाइंड करना पड़ता। अब एक काम करिए, अब बैंक में जाओ, बैंक में देखना आपको मिलेगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, फॉर एग्जाम्पल एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है अगर मैं FD करता हूं तो। नाउ अगर समझो मैं ऐसा बोलता हूं कि सर अगर मैं 5 साल तक रखता हूं, 5 साल तक, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वॉट, बिकॉज इंटरेस्ट कंपाउंडेड, से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है या ईयरली छोड़ो क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है या मंथली है, क्वार्टरली है हाफ ईयरली है या मंथली है, तो उस बेसिस पे अगर मंथली है तो हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्वार्टरली है तो हर क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली तो हर मतलब एवरी हाफ ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो हर बार प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही बट इंटरेस्ट फैक्टर पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज 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 बी हायर देन एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट एक्चुअल, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो आपको क्या करना है, जब भी आप एक्यूमुलेट वैल्यू फाइंड करने बैठोगे तो उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैं पेमेंट भले ईयरली कर रहा हूं बट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या दिया हुआ है, क्वार्टरली स्पेसिफाई किया है, मतलब मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना ही पड़ेगा। समझाइए, तो अभी 12.5% में 12.55% जो आया था ना, ये मैं बोलूंगा ये मेरा क्वार्टरली नहीं है अभी इंटरेस्ट,
अभी इस केसेस में, इस केस में इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं, अभी इस केस में इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली पकड़ लो, 12% हर तीन तीन महीने में इंटरेस्ट, या 12.55% ईयरली इंटरेस्ट, एक ही बात हो जाएगा दोनों केस में, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड कर दिया, सी अपॉन आई इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू स्मॉल एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लेकर के मैंने एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लिया। सी का वैल्यू इज 25,000, आई का वैल्यू इज 0.1255, स्मॉल एन का वैल्यू इज 3, सॉल्व किया आई गेट 84,806.25 एंड ईयर आंसर इज 84,228.20 दिया है, जो कि रॉन्ग है। 84,000 कितना आया अपना आंसर, 806.25 एंड दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सम कंसेप्ट, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई बेस्ड कंसेप्ट है। नाउ यहाँ पे कंसेप्ट क्या, पहले मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ, लॉजिक क्या है। आपको दो टाइप के सम आएंगे यहाँ पर। सम नंबर वन, सिर्फ ईएमआई फाइन करो। आपने एक से फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने एक एबीसी बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन का ईएमआई कितना होगा, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, दैट इज इन शॉर्ट एकदम सिंपल है। जो अमाउंट का मैं लोन लूंगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। वो प्रेजेंट वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन, आपको फाइंड कर रहा है अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, दैट इज ईएमआई वैल्यू, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, दैट इज ईएमआई वैल्यू। तो जैसे हम लोग अभी तक सी फाइंड कर रहे थे, वैसे ही सी फाइंड करना है, ईएमआई फाइंड करना है। ईएमआई अगर फाइंड करना है, उसके लिए जो सी फाइंड कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको, कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम थोड़ा टिकड़म वाला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना इसको। सेकेंड पार्ट आपको आता है कि आप जितने भी पीरियड का लोन लेते हो, उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट फैक्टर, उतने पीरियड का आपका प्रिंसिपल फैक्टर आपको शो करना पड़ेगा। एंड एवरी पीरियड के एंड में आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट एंड करने के बाद उसका बैलेंस अमाउंट कितना बचता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, मैं 10,000 रुपीज ईएमआई पे कर रहा हूँ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, तो मैं फर्स्ट मंथ में 10,000 पे करूंगा, वो 10,000 में कुछ पोर्शन प्रिंसिपल है, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट है, तो कितना पोर्शन प्रिंसिपल है, कितना पोर्शन इंटरेस्ट है, ये बताना है मुझे। सेकेंड मंथ में कितना पोर्शन प्रिंसिपल है, कितना पोर्शन इंटरेस्ट है, ये मुझे बताना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पूरे 12 मंथ्स का मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, ईएमआई तो सेम रहेगा एवरी मंथ, लेकिन हर एक मंथ में प्रिंसिपल पोर्शन एंड इंटरेस्ट पोर्शन डिफरेंट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो आप पहले, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, रीड करना, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, यहाँ पे क्या बोला है, अनुराग टू का लोन ऑफ ₹60,000 विथ 10% इंटरेस्ट पर मंथ। उसने क्या बोला, इंटरेस्ट पे कर रहे हम लोग 10% पर मंथ, नॉट पर एनम, पर मंथ। ईएमआई कितने का है, 60,000 का, 10% इंटरेस्ट पर मंथ बोला है, ठीक है, ध्यान से समझ नहीं है। टू बी रीपेमेंट इन 5 मंथ्स, 5 महीने में उसने पेमेंट कर दिया, 5 मंथ्स, ठीक है। कैलकुलेट ईएमआई फॉर द रिड्यूसिंग बैलेंस, ईएमआई फाइंड करना, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, सी का वैल्यू। Also calculate interest and principal repayment components for each EMI. ठीक है, तो basically आपको क्या find करना है, एक तो EMI की value, मतलब in short C का value, एंड देन आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट कॉम्पोनेंट्स फॉर ईच ईएमआई। सो नाउ मैंने ना ये कंसेप्ट आपको दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, मैंने कुछ सॉल्व किया यहां पे, देखो जरा ध्यान से। सो मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू कितना है यहां पे, 60,000, ठीक है। अपने को ना यहां पे कैपिटल आर नहीं दिया है, अपने को यहां पे स्मॉल आई दिया हुआ है। सी आर इज व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आई क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप पेमेंट कर रहे हो मंथली बेसिस पे, तो मंथ का इंटरेस्ट आई।
आप पेमेंट कर रहे हो क्वार्टरली बेसिस पे, तो एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो इट इज कैपिटल आर। बट अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पे है, तो तीन महीने का मतलब क्वार्टरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4%, will be 3%, 12 upon 4 into 100 will be 3%। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मैं बोलूंगा अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन हाफ ईयर विल बी 6%। समझाइए। सो मैंने क्या किया यहां पे, स्मॉल आई इज गिवन, दैट इज 10% पर मंथ है इंटरेस्ट, स्मॉल एन इज गिवन, दैट इज 5 months, क्योंकि वो 5 महीने में पूरा पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एन इज गिवन कि भाई 5 महीने में पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा, हर महीने 100 अमाउंट हम ईएमआई पे कर रहे हैं, लोन लिया है 60,000 का और एक महीने का इंटरेस्ट इज 10%। तो स्मॉल आई इज गिवन, स्मॉल एन इज गिवन, पी इज गिवन, पी इज नथिंग बट द व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला यूज किया एंड पूरा सॉल्व किया। सो आपको भी ये पूरा पार्ट आता है, दैट यू कैन डू इट। सी कितना है मेरा 15,826.96, ठीक है। नाउ हमको फाइंड करना था प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। सी यार टेबल अपने को यहां पे गिवन दिया हुआ है ना, तो मैंने यहां पे लिया है 5 months, 1, 2, 3, 4, 5 और हर एक मंथ का ईएमआई जो अपना आया था, सी का वैल्यू डेट इज। इतना समझ में आ गया, जितना बता रहा हूं उतना ही समझो, आप एक्स्ट्रा और देखने मत जाओ, जिसमें फोकस करो और उस पर फोकस करो प्रॉपरली एकदम ध्यान से। सो आई होप आपको ईएमआई समझ में आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ्स लिया 1, 2, 3, 4, 5, ईएमआई का वैल्यू जो अपना आया, सी का वैल्यू, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट मंथ में मेरा कितना लोन लिया था मैंने, 60,000, ठीक है। नाउ क्या होता है ना कि आप किसी से भी पूछना, अगर कोई बंदा इंटरेस्ट पे पैसा देता है पर्सन ए ने पर्सन बी से, पर्सन ए ने पर्सन बी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, तो जब वो पर्सन बी जब पैसा देने आएगा ना, तो सबसे पहले पर्सन ए क्या करेगा, तो अपना ब्याज लेगा, ब्याज इंटरेस्ट लेगा, उसके बाद मुद्दल लेगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले क्या लेगा वो इंटरेस्ट लेगा, बाद में क्या लेगा वो मुद्दल लेगा। उसको तो मालूम है भाई ईएमआई कितना है, 15,826.96 एवरी मंथ, ये फिक्स्ड ईएमआई है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 60,000 पे इंटरेस्ट ले लूंगा 10%, देन 60,000, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, 60,000 में से मैं 10% इंटरेस्ट ले लूंगा, क्लियर ना। अब ईएमआई में से 10% अगर मैं माइनस कर दू, 10% अगर मैं माइनस कर दू, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट, बिकॉज ईएमआई के अंदर दो पार्ट होता है, कौन सा सर, एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है प्रिंसिपल। तो अगर ईएमआई में से, अगर ईएमआई में से मैं इंटरेस्ट पार्ट माइनस कर दू, तो मुझे प्रिंसिपल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। So EMI 15,826.96 minus 6,000 interest करेंगे तो मुझे ये value मिल जाएगा। सर ये value minus कैसे किया, सर ये value क्या है, कैसे आया सर ये, तो जो मेरा लोन लिया था ना मैंने, अब भी लोन लिया 60,000, एक महीने के बाद 15,826.96 पे कर रहा हूं, तो क्या बोलेगा, एक महीने का पहले इंटरेस्ट दे 60,000 पे, दैट इज 6,000, और बाकी का अमाउंट आई विल कंसिडर एज प्रिंसिपल, That is 9826.96। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, तो बैलेंस ये बैलेंस लोन अमाउंट मतलब बेसिकली बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं बोलूंगा 60,000 माइनस दिस वैल्यू, माइनस 173.03। तो क्या किया, 60,000 माइनस किया 986.9826, इसमें नहीं दिखेगा आपको, सबको समझ में आया, 60,000 माइनस 9826.96 करने पे आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू मिल जाएगा 50,173.03। अब क्या करेंगे, सी ईएमआई तो सेम ही रहेगा, अब इसके ऊपर 10% निकालेंगे, देन यू विल गेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब ये इंटरेस्ट कंपोनेंट, सी ईएमआई में से अगर मैं इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल दू, ईएमआई
में से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट मिल जाएगा 15,826.96 माइनस दिस वैल्यू, माइनस दिस वैल्यू 5017.30, ये माइनस करूंगा आई विल गेट दिस वैल्यू 10,809.66। नाउ 50,173, सी सेकेंड मंथ में मेरा लोन अमाउंट 50,173.04 था, ठीक है स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने ईएमआई पे कर दिया तो मेरा कुछ पोर्शन इंटरेस्ट में गया, कुछ पोर्शन मेरा प्रिंसिपल में गया, तो इंटरेस्ट में क्या जाएगा, तो बैलेंस अमाउंट का 10% विल बी इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी 10% मैंने डिसाइड कैसे किया, बिकॉज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ का, तो बेसिकली क्या करना है, बैलेंस अमाउंट का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो अमाउंट इंटरेस्ट में रहेगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट बनेगा, तो ईएमआई में से इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर दो, यू विल गेट द प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट है, हर क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट होगा जरूरी थोड़ी है, कोई क्वेश्चन में 5% होगा, किसी में 6% होगा, किसी में 2% होगा, किसी में 1% होगा पर मंथ, समझाइए, तो बैलेंस अमाउंट का 1% या 2% वॉट एवर इट इज, से फॉर एग्जाम्पल 5% है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस अमाउंट का 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट कंपोनेंट में आ जाएगा, बट वो किसका रहेगा सर, 5% एक महीने का, मतलब बेसिकली मंथली इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। अब ईएमआई में से वो इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर दो, यू विल गेट द प्रिंसिपल फैक्टर, तो नेक्स्ट मंथ का बैलेंस अमाउंट कैसे मिलेगा, नेक्स्ट मंथ का बैलेंस अमाउंट मिलेगा सर, लास्ट मंथ का बैलेंस अमाउंट माइनस लास्ट मंथ का प्रिंसिपल कंपोनेंट माइनस कर दो, तो नेक्स्ट मंथ का आपको क्या मिलेगा, बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा, लोन बैलेंस अमाउंट। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू 50,173.04 पे करना था, बट जिसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट इतना है ईएमआई के अंदर, वो माइनस कर दो, यू विल गेट दिस वन, आपको ये मिल जाएगा इजीली, क्या मिलेगा सर 39,363.38, मतलब 50,173.04 माइनस 10,809.66 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 39,363.38। सी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है, अगर आप कोई भी बैंक से होम लोन लो या बिजनेस, से फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया 30 लाख रुपीस का और उसका ईएमआई है से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीस, साल का भले 8% इंटरेस्ट हो, साल का भले 9% इंटरेस्ट हो, तो अगर साल का 9% इंटरेस्ट है तो एक महीने का कितना, सो आई कैन से दैट कि भाई 9 एक महीने का इंटरेस्ट विल बी, तो 9/12 तो 0.75% इंटरेस्ट, तो मैं बोलूंगा सर कि फर्स्ट मंथ जब मैंने लोन लिया तो मेरा जो फर्स्ट मंथ होगा ना वो 30 लाख पे बैंक क्या करेगा 30 लाख पे 0.75% बिकम्स 22,500, तो मेरा ईएमआई 30,000 का है जिसमें जब 22,500 सिर्फ इंटरेस्ट है फर्स्ट मंथ का, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, एंड 7,500 विल बी प्रिंसिपल फैक्टर। फिर नेक्स्ट मंथ में बैंक क्या करेगा 30 लाख माइनस फर्स्ट मंथ का आपने प्रिंसिपल पे कितना किया 7,500, वो माइनस कर दो, तो मैं बोलूंगा 30 लाख माइनस 7,500 आंसर इज 29,92,500। इस अमाउंट पे बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगा एक महीने का, अगेन समझाइए, वो इंटरेस्ट जो भी आएगा से फॉर एग्जाम्पल 0.75%, तो आंसर इज 22,443। पहले कितना था 20,500 था ना, अभी कितना है 22,443 माइनस, अभी ये अमाउंट किसमें माइनस होगा सर प्रिंसिपल में से, तो मेरा प्रिंसिपल सेकेंड मंथ का विल बी 7,556 इंस्टेड ऑफ 7,500। तो क्या होगा सर, प्रिंसिपल मेरा जैसे जैसे पे होते जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट फैक्टर कम होते जाएगा एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट ईएमआई में से बढ़ते जाएगा। सी ईयर थर्ड मंथ में कितना है 39,363.38, अब इसका 10% विल बी दिस वन इंटरेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली, ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्रीवियस मंथ का था लोन अमाउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट, देन आई विल गेट दिस अमाउंट, लाइकवाइज आप वैसे आप करते जाओगे, एट द एंड आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर 60,000 हो जाएगा, जो आपने लोन लिया था
बट वो अलग बात है कि आपने टोटल पे कर दिया 79,134.80 बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में, इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ना भाई, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। सो प्लीज ये सबको ध्यान से करना, ये सब आता है, पांच मकली इजीली सब आता है और इजीली आप कर भी पाओगे, डिफिकल्ट नहीं है बट सिंपल लॉजिक है। ईएमआई हर महीने का सेम रहेगा, जो भी लोन अमाउंट है उसका 10% 5% व्हाटएवर इट इज पर मंथ का इंटरेस्ट वो लेगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट में से सॉरी ईएमआई कंपोनेंट में से इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर दो, यू विल गेट प्रिंसिपल कंपोनेंट, समझाइए। सो नाउ ये पॉइंट आप आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। सो ये आपको जस्ट मैंने सी पहले फाइंड करने सिखाया, उसके बाद टेबल बता दिया, नीचे वाला पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, नोट अगर आप लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज राउंडिंग ऑफ के चक्कर में आपका ये कुछ सडन पैसे का डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी ओके पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमित टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 14,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एट 9% पर एनम, कितना आएगा 0.75%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंप्यूट ईएमआई ऑन मंथली रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड और मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो बेसिकली यहां पे ईएमआई फाइंड करना मतलब यू हैव टू फाइंड सी का वैल्यू, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका कैपिटल एन है, ये आपका कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर के बेस पर आई निकालना पड़ेगा, स्मॉल एन निकालना पड़ेगा, पी तो अपने को गिवन दिया हुआ है, ठीक है, सी आपको फाइंड करना है, तो जो सी का वैल्यू आएगा वही आपका ईएमआई का वैल्यू बन जाएगा। सो ये सी फाइंड करने वाला कंसेप्ट मैंने बहुत सारे कर लिए, सो आई होप आप ये वाला सब कर लोगे, सो डू इट योरसेल्फ। यस डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पूरा पार्ट मैंने कवर कर दिया, इंटरेस्ट एन्यूटी डेप्रिसिएशन कंसेप्ट एक्सेट्रा। नाउ आई वांट कि आप पूरा प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, जो भी आपको कॉलेज में बोला गया हो इस उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही तुमको आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है। आई वॉन्ट कि आप जितना हो सके उतना आप फ्रेंड्स ग्रुप में आप ये वीडियोज को शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी अच्छा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। एंड आप अपना जेन्युइन रिव्यू दीजिए, लाइक डिसलाइक कमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू।